दोस्तों नमस्कार। सीटों को जोड़ना शुरू कीजिएगा तो 484 सीट निपट चुकी है, यानी वोटिंग हो चली है। आखिरी फेज बचा हुआ है, लेकिन 6 फेज ने बहुत सारे मैसेज निकल कर आए हैं, लेकिन छठे फेज की कुछ खास खासियतें भी हैं और हमें लगता है ये जरा समझना होगा कि इस फेज का भी मतलब। दरअसल 2014 में बीजेपी ने जितना कुछ पाया है उसमें वाकई विपक्ष के पास अब गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है और यह हर जगह से नजर आ रहा है। 59 सीटों पर वोटिंग हुई है। कुछ ऐसे निर्णय इस चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने कुछ ने लिए, जो मैसेज ये था, दिल्ली का एक मैसेज बहुत साफ है। यह मैसेज दिल्ली का जब विश्लेषण होगा तभी बताएंगे, लेकिन पहले जानकारी दे दें, बिहार की 8 सीट में से 7 सीट बीजेपी जीती थी 2014 में, यूपी की 14 सीट में से 12 सीट जीती थी बीजेपी ही जीती थी, एक सीट अपना दल के पास भी थी और एक समाजवादी पार्टी की। मध्य प्रदेश की 7 सीट बीजेपी ने जीती थी, याद कीजिएगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुणा से जीत गए थे, तो एक सीट उनके पास चली गई थी। झारखंड की 4 सीट बीजेपी के पास, दिल्ली की 7 सीट बीजेपी के पास, हरियाणा की 10 में से 7 सीट बीजेपी के पास और बंगाल की 1 भी सीट बीजेपी के पास नहीं, जो इस बार वोटिंग हुई 8 सीटों पर। आइए सिलसिला शुरू करते हैं, यूपी से ही सिलसिला शुरू करते हैं और यूपी में भी शुरुआत कर रहे हैं हम फूलपुर से। और फूलपुर से जब चुनाव कर रहे हैं तो उसकी वजह भी कुछ खास है। यहां से तो नेहरू भी चुनाव जीत चुके हैं, यहां से अतीक अहमद, अंडरवर्ल्ड डॉन के तौर पर जिनकी पहचान और फिलहाल जेल में ही है, यह भी चुनाव जीत चुके हैं। यहां से विजय लक्ष्मी पंडित भी चुनाव जीत चुकी है, यहां से वीपी सिंह भी चुनाव जीत चुके हैं और यहां से जनेश्वर मिश्र, जिन्हें छोटे लोहिया के तौर पर कहा जाता है, वह भी चुनाव जीत चुके हैं। और ऐतिहासिक तौर पर एक बड़े आंकड़े के साथ फूलपुर पहली बार पहचान बना था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को जितने वोट मिले उससे भी तकरीबन 10% से ज्यादा वोट 2014 में बीजेपी को मिले थे, केशव प्रसाद मौर्य जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री है, 52% वोट मिले थे। लेकिन वही सीट जब केशव प्रसाद मौर्य ने छोड़ी और उप मुख्यमंत्री बन गए तो गठबंधन का पहला प्रयोग एक लिहाज से फूलपुर से शुरू हुआ। और फूलपुर में 2018 में जो चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन ने कमाल किया और इनको तकरीबन जितने वोट मिले 46% वोट मिले थे, उस लिहाज से वो कह सकते हैं कि बीजेपी से तकरीबन 8 या 9% वो आगे थे। ये मैसेज पहला उत्तर प्रदेश से निकला था। लेकिन हम जो आज बात करने वाले हैं, जो खास सीटें इस पे आए, ये थोड़ा पहले समझ लेना होगा कि कमाल की केमिस्ट्री, कमाल की रणनीति गठबंधन और कांग्रेस के बीच काम कर रही है, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में। और यहां पर जिस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए था लेकिन प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू में कर दिया था कि हमें बीजेपी के उम्मीदवार को हराना है, ये मैसेज था कहीं ना कहीं कि किस तरीके से गठबंधन और बीजेपी आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। फूलपुर से शुरू कीजिए। फूलपुर में बीजेपी ने उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य थे नहीं, नागेंद्र पटेल पिछली बार जीत गए थे, गठबंधन के थे। इस बार जो उनके उम्मीदवार थे वह केसरी देवी पटेल, जो कि कुर्मी है जाति से। कांग्रेस ने भी पंकज पटेल को खड़ा किया, यह भी कुर्मी है। कुर्मी दोनों जो नजर आया उसमें पटेलों की तादाद तकरीबन 3 लाख है। समाजवादी पार्टी ने यहां भंडारी यादव को खड़ा किया। इसका मतलब यह था कि वोट ध्रुवीकृत ना हो, इसको ध्यान में रखकर कांग्रेस ने गठबंधन के लिए राह आसान भी बनाई और कई जगहों पर कांग्रेस की राह आसान गठबंधन ने बनाई है। यह आपको जगह जगह नजर आएगा, जिसका जिक्र हम लोग करते चलेंगे। जो जानकारी हमारे पास आई है, खासतौर से परिसीमन के बाद इलाहाबाद नॉर्थ और वेस्ट का इलाका भी फूलपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में जुड़ गया है और वहां से बीजेपी को जितने लाभ की स्थिति थी उतना लाभ बीजेपी को नहीं मिला है। ये पहले खतरे की घंटी है। दूसरा है कि सुराव का जो इलाका है, जो कि सुरक्षित इलाका है, वहां से बड़ी तादाद में वोट हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि ये गठबंधन के हिस्से में चले गए हैं। और फफावाओ एक जगह है, 4 जगहों से हमारे पास जानकारी आई है और ये इलाका भी वोट सीधे तौर पर कहें तो बट गया है कांग्रेस और बीजेपी में। इस पूरे इलाके में भंडारी यादव जो गठबंधन के उम्मीदवार है फूलपुर से, उनकी स्थिति बहुत मजबूत नजर आ रही है। मजबूत का मतलब ये होता है कि वह चुनाव जीत भी सकते हैं। और ये एक स्थिति बता दें कि यहाँ पर तकरीबन जो पटेलों यादवों की तादाद है वो तकरीबन 2 लाख है, यहाँ पे 2 लाख के लगभग मुस्लिम वोटर भी हैं।
और खास तौर से ओबीसी में निचले तबके के वोटर हैं, उनकी भी मौजूदगी काफी ज्यादा है और उनके मूवमेंट्स भी बटे हुए नजर आए हैं, एक साथ एक मुश्त नहीं एक जगह गया है। हालांकि जाटव भी यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर ब्राह्मणों की तादाद भी 2 लाख है, लेकिन इस पूरे इलाके में एक साफ चीज नजर आई है कि फूलपुर गठबंधन के हिस्से में ये सीट जा रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट सुल्तानपुर पर हर किसी की नजर थी। सुल्तानपुर चूंकि इससे पहले यहाँ पर वरुण गांधी जीते थे और अच्छे खासे मार्जिन से यहाँ पर उनकी पहचान बनी थी, उन्होंने 4,10,000 लास्ट टाइम वोट पाया था, और याद कीजिएगा उससे पहले तो 2009 में यहाँ से संजय सिंह जीते थे, तकरीबन 3 लाख वोट उन्हें मिला था। उसके बाद बीजेपी के जो कैंडिडेट थे या बीएसपी के कैंडिडेट और एसपी के कैंडिडेट थे, 2009 में दौड़ में बीजेपी नहीं थी सुल्तानपुर में। लेकिन यहाँ पर इस बार मेनका गांधी को चूंकि उतारा गया और यहाँ पर बीएसपी के चंद्रभद्र सिंह थे और संजय सिंह थे, बड़ा महत्वपूर्ण ये हो गया कि चंद्रभद्र सिंह जो गठबंधन के और दूसरी तरफ संजय सिंह उतरे, सवाल इन दोनों की ये हो गई कि यहाँ का सुल्तानपुर का सुल्तान कौन होगा, और ये यहाँ पर नारे लग रहे। इस नारे का मतलब ये था कि क्या मेनका गांधी दौड़ से बाहर हो गई है, और ये सवाल हमने लगातार जो हमारे तमाम सहयोगी थे हमने उनसे जानना चाहा कि, तो उन्होंने दो चीजें साफ कर दी, एक वोटों का ध्रुवीकरण मुस्लिम के नाम पर होने का प्रयास चुनाव प्रचार के दौरान किया गया, वोटों का ध्रुवीकरण अपर कास्ट या हिंदू के नाम पर नहीं हुआ, पहली स्थिति ये निकल कर आई। दूसरी स्थिति निकल कर आई है कि खास तौर से जो कादीपुर और लाभू का इलाका है वो इलाका गठबंधन के अनुकूल चला गया है, और सुल्तानपुर का जो इलाका है वो संजय सिंह के लिए अच्छी वोटिंग वहां पर हुई है, सुल्तानपुर सुल्तानपुर सदर दोनों जगह से जानकारी आई है। हाँ, इसौली के वोट कुछ बटे जरूर हैं, ये भी फैक्ट है, लेकिन जिस तरीके से प्रभावित चीजें यहाँ पर हो रही थी, तीसरी चीज ये थी कि अगर बीएसपी का कैंडिडेट, चूंकि गठबंधन का कैंडिडेट बीएसपी के हिस्से में आया था, बीएसपी और कांग्रेस लड़ रही है, कहीं इसका लाभ मेनका गांधी को तो नहीं होगा और मेनका गांधी चुनाव तो नहीं जीत जाएगी, ये सवाल हमारा भी वहां से जो हमें जानकारी दे रहे थे, हमारा भी कहना था कि सुल्तान कौन की लड़ाई अगर हो रही है तो मेनका गांधी चुनाव क्यों नहीं जीत जाएगी। उनका कहना था मेनका गांधी बहुत कम वोट से हार सकती है, एक स्थिति ये आ सकती है, लेकिन जीतने को लेकर हमारी जो रिपोर्ट्स वहां से आई है वो एक सवालिया निशान लगा रही है, वो बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर खास तौर से जो मौजूदगी चंद्रभद्र सिंह और संजय सिंह की है, इन दोनों की स्थिति मजबूत होकर निकली है, और सुल्तानपुर की स्थिति, हम ये आपको बता दें अगर आपको इससे पहले याद होगा हमने कहा था कि वरुण गांधी की भी स्थिति बड़ी नाजुक चल रही है। इसके बाद आइए इलाहाबाद। इलाहाबाद अमिताभ बच्चन आखिरी उम्मीदवार थे कांग्रेस के जो 1984 में चुनाव जीते थे, और उसके बाद से इलाहाबाद कभी कांग्रेस के पास गई ही नहीं है। सोचिए आनंद भवन वहां पर जो कि कांग्रेस का हेडक्वार्टर हुआ करता था एक वक्त, लेकिन आज तक कभी भी, और गंगा यमुना सरस्वती का मिलना हो या फिर उसकी एक लंबी परिस्थिति, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री भी चुनाव लड़ चुके हैं, वीपी सिंह भी जीते हैं, मंत्री नंदल बहुगुणा चुनाव जीते हैं। अमिताभ बच्चन का जिक्र, हेमवंती नंदन बहुगुणा की बेटी ही इस बार उम्मीदवार वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, रीटा बहुगुणा, और ये एक सवाल था कि क्या इलाहाबाद में रीता बहुगुणा जोशी चुनाव जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, और ये एक उम्मीद और आसरा या कहीं कहिए ज्यादा भरोसा योगी को भी था, क्योंकि वहां पर हाल ही में जिस तरीके से उत्सव मनाया गया और संगम तट पर जो व्यवस्था की गई वो अद्भुत व्यवस्था थी कुंभ के मौके पर, और इसको लेकर था कि नहीं इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन बड़ी बात यह थी कि यहां जिस तरीके से जातियों के वोट बटे हुए हैं उसमें रीता बहुगुणा के लिए उतना आसान भी नहीं है। हालांकि वो लखनऊ कैंट से एमएलए भी है रीता बहुगुणा, और सरकार में मंत्री भी हैं, और वो ये भी फैक्ट है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई, और पिछली बार जो थे श्यामाचरण गुप्ता यहाँ से बीजेपी के वो चुनाव जीते थे, श्यामाचरण शुक्ला तकरीबन 60 या 70 हजार वोटों से जीते थे, रेवती रमन सिंह को उन्होंने समाजवादी पार्टी कहराया था, लेकिन उस समय केसरी देवी भी थी और केसरी देवी बीएसपी सी थी, और अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से चलिएगा तो रीता बहुगुणा के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैथमेटिक्स को अगर छोड़िएगा तो ये दूसरा समझना होगा कि इस मैथमेटिक्स को दूसरे तरीके से समझिए। कांग्रेस ने उम्मीदवार ऊंची जाति का उतारा योगेश शुक्ला को, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए और टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, तो वो बागी हो गए। इसका मतलब है पहला झटका रीता बहुगुणा को यही लग रहा है, क्योंकि योगेश शुक्ला चाहते थे उन्हें टिकट मिले, उन्हें नहीं मिला, रीता बहुगुणा के लिए पहला झटका ये है।
तो कांग्रेस यहां पर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा रही है। उम्मीदवार भी उसने बीजेपी का ही चुना जो बीजेपी छोड़कर आया। रीता बहुगुणा एक वक्त कांग्रेस छोड़कर गई थी, लेकिन एक लंबा वक्त गुजर चुका है इसीलिए। और चूंकि बहुगुणा जी खुद जो थे हेमवंती नंदन बहुगुणा, वो कांग्रेस के साथ नहीं थे, तो याद अमिताभ बच्चन ने जब उन्हें हराया था। ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि राजेंद्र पटेल जो समाजवादी पार्टी के, इन्होंने जनता दल से शुरुआत की थी राजनीति की, और ये बहादुरपुर ब्लॉक के प्रमुख रहे, वहां से ये निकल कर आते हैं ये शख्स। और जिस तरीके से चीजें इन्होंने डेवलप की इस वोटिंग पैटर्न में, वहां पर जो जानकारी हम लोग के पास आई है, करछना के इलाके में राजेंद्र पटेल को खूब वोटिंग मिली है, जबरदस्त वोटिंग उनकी मिली है। इलाहाबाद साउथ का जो इलाका है, वहां से आशा थी बीजेपी को बहुत ज्यादा वहां पर वोट मिलेंगी, वहां पर बहुत ज्यादा नहीं है। जो इलाका है मेजा करके, वो बीजेपी के लिए, रीटा बहुगुणा के लिए अच्छा है। वहां से जानकारी आई है कि वो वहां ज्यादा वोट मिले जरूर हैं, लेकिन बारा और केशाब का इलाका जो सुरक्षित है, विधानसभा की जो सीटें हैं, वो सीट भी कहीं ना कहीं गठबंधन के हिस्से में जा रही है। वहां से बड़ी तादाद में वोटिंग जो हुई है वह गठबंधन के उम्मीदवार के हक में हुई है, इसलिए इलाहाबाद की सीट गंवा सकती है बीजेपी, और ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। प्रतापगढ़ सटा हुआ इलाका, आइए इधर से निकलिए, जब आप चलते हैं तो उसके इलाके में, खास तौर से प्रतापगढ़ का मतलब आपके जहन में तुरंत आएगा, कुंडा का राजा जो होगा वो जहन में आएगा, उनके भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अलग है, और ये सीट जो है यहाँ पर कांग्रेस ने रत्ना सिंह को खड़ा किया है, जो कि याद कीजिए दिनेश सिंह की बेटी रत्ना सिंह, दिनेश सिंह पीवी नरसिम्हा राव की कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। क्योंकि पिछली बार यहाँ से बीजेपी अपना दल चुनाव लड़ा था, और उसके हरिवंश सिंह को चुनाव में तकरीबन 3,75,000 का वोट मिला था। इस बार बीजेपी ने यहाँ पर संगम लाल गुप्ता को खड़ा किया, रत्ना सिंह को कांग्रेस ने खड़ा किया, लेकिन दूसरी तरफ जो राजा भैया की पार्टी है जनसत्ता दल, उसने अक्षय प्रताप सिंह को खड़ा किया। महत्वपूर्ण यह है कि अक्षय प्रताप सिंह रत्ना के भाई है। अब यह स्थिति बनती है कि कांग्रेस और जनसत्ता दल जो बनाया गया है कुंडा के राजा के जरिए, ये दोनों के वोट कटेंगे, और क्या इसका लाभ गठबंधन या बीजेपी को होगा, अब यहां पर समझना जरूरी है। क्योंकि यहां पर ब्राह्मण को उतारा गठबंधन ने, और संगम लाल गुप्ता उतरे हैं बीजेपी की तरफ से अपर कास्ट के, तो ये अगर वोट कटते भी हैं तो ये एक स्थिति बन रही है कि यहां पर बीजेपी के संगम लाल गुप्ता तभी जीत सकते हैं जब वाकई वोट रत्ना सिंह और जनता जनसत्ता दल जो राजा भैया की पार्टी है उसके अक्षय प्रताप सिंह में, भाई बहन में वोट बट जाए, तो तब तो बीजेपी के संगम लाल गुप्ता निकल जाएंगे, अन्यथा ये भी मुश्किल यहां पर खड़ी हो सकती है। यानी बीजेपी के हक की मुश्किल बीजेपी के हक में तभी जाएगी जब भाई बहन के बीच में मामला अटक जाए, और प्रतापगढ़ जहां पर उनका खास तौर से कब्जा है जनसत्ता दल का, उसके सारे वोट कहीं ना कहीं अक्षय प्रताप सिंह को मिल जाए, तब तो लाभ है। लेकिन बाकी जगहों से, खास तौर से रानीगंज से हमारे पास जानकारी आई और रामपुर खास से जो जानकारी आई, वहां पर अनुकूल स्थिति रत्ना सिंह के लिए है, ये जो जानकारी निकल कर आई है। उसके बाद आइए अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां से पिछली बार हरिओम पांडे जीते थे, और बीएसपी ने भी एक पांडे उम्मीदवार को ही उतारा था, राकेश पांडे को, लेकिन अच्छा खासा मार्जिन था। और बीएसपी के उम्मीदवार राकेश पांडे 2009 में उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे और चुनाव जीत भी गए थे। यहाँ एक चीज आपको और जोड़ देनी होगी, दरअसल इस पूरे इलाके में क्या हुआ है कि अपर कास्ट के वोट बट गए हैं, और खास तौर से जिस वजह से बटे हैं उसमें एक बड़ी वजह जानकारी जो हम लोग के पास आई, उसमें जो जूता कांड हुआ था जिसमें शरद त्रिपाठी ने, संत कबीर नगर से जो खड़े हुए थे, शरद त्रिपाठी ने जो जूते बरसा दिए थे, तो ये राजपूत और ब्राह्मणों के बीच की जो एकजुटता थी वो इस पूरे इलाके में टूटी हुई नजर आई है। हम उस पर आएंगे संत कबीर नगर पर, लेकिन वो एक मैसेज है। उस मैसेज का असर ये है कि जो वोटों का ध्रुवीकरण अपर कास्ट में होना था वो यहाँ पर नहीं हुआ है, और यहाँ पर कांग्रेस के उमेश सिंह खड़े थे लेकिन पर्चा खारी, यहाँ पर डायरेक्ट मुकाबला हो गया। बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पर मुकुट विहारी थे लेकिन उनको बदल दिया गया था चूंकि उम्मीदवार, और ये बहराइच से आते हैं, अंबेडकर नगर से नहीं आते हैं, और बीएसपी ने रितेश पांडे को यहाँ पर खड़ा किया। तो ये एक स्थिति है कि ये राकेश पांडे के भाई हैं, राकेश पांडे को पिछली बार टिकट दिया था, उससे पहले 2009 में सांसद थे। तो रितेश
पांडे की स्थिति यहां पर मजबूत है और हमारे जो सहयोगी है उन लोगों का कहना बहुत साफ तौर पर है कि खास तौर से अकबरपुर का इलाका, जलालपुर का इलाका, इन दोनों जगहों से रितेश पांडे के हक में वोट पड़े हैं, बीजेपी के मुकुट बिहारी वर्मा के हक में उतने वोट नहीं पड़े हैं। गोसाईगंज से कुछ वोट जरूर बीजेपी के हक में पड़े हैं, लेकिन कटिहारी में वोट बटे हैं, टांडा में वोट बटे हैं, और यहाँ पर बीएसपी के रितेश पांडे यानी गठबंधन अंबेडकर नगर में बहुत साफ तौर पर चुनाव जीत सकती है। श्रावस्ती का इलाका आइएगा तो श्रावस्ती का इलाके में याद कीजिए पिछली बार ददन मिश्रा जीते थे और उससे पहले कांग्रेस के जीते थे विनय कुमार हुआ करते थे, जो विनय कुमार 2014 में बहुत नीचे आ गए थे। 2014 ने जब कमाल ये किया था कि बीजेपी के हर उम्मीदवार की जीत एक बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने तय की थी और वो मार्जिन 1 लाख के ऊपर ही था, इसका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं। हालांकि यहां पर समाजवादी पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ी थी और बीएसपी भी चुनाव लड़ी थी, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, इस बार अतीक अहमद कह रहे हैं कि इलाहाबाद में उनसे मदद ली जा रही है योगी के जरिए, चूंकि वो जेल में बंद हैं, इलाहाबाद सीट पे मुसलमानों को थोड़ा शिफ्ट ब्रीटा बहुना के हक में करा दिया जाए, मदद ली जा रही है, लेकिन वो मदद किस रूप में आ पाई नहीं आ पाई, लेकिन इलाहाबाद की स्थिति संकट में है और यहां पर अब अतीक अहमद है नहीं समाजवादी पार्टी के, गठबंधन की सीट गई बीएसपी के हिस्से में, उन्होंने मौर्य को उतारा, राम शिरोमणि मौर्य है, ये अंबेडकर नगर के निवासी हैं, वहां से श्रावस्ती चलकर आए हैं, बीजेपी ने ददन मिश्रा को ही दिया है, लेकिन ददन मिश्रा भी बहुत पहले बीएसपी में हुआ करते थे और बीएसपी के सांसद ये मिनगा से हुआ करते थे, लेकिन और कांग्रेस ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह को उतारा है, धीरेन्द्र प्रताप सिंह पहले बीएसपी में हुआ करते थे, उसके पूर्व बलरामपुर से वो वहां से विधायक हुआ करते थे, लेकिन बीएसपी के जो सांसद हैं, बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं राम शिरोमणि मौर्य, उनके बारे में जानकारी मिली कि खुले तौर पर यहाँ पर ये थोड़ा समझना होगा यहाँ मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा है श्रावस्ती में, तकरीबन 30% है, और बाकायदा समाजवादी पेटा नेता जो है मोहम्मद रिजवान साहब वो और शिरोमणि मौर्य जो है वो दोनों आपस में मिलकर ही चुनाव प्रचार कर रहे थे, और जो जानकारी निकल कर आई उसमें खास तौर से जो मींगा और गेंसारी का इलाका, इसमें बड़ा लाभ हुआ है गठबंधन के उम्मीदवार राम शिरोमणि मौर्य को, और बलरामपुर में ये सीट भी इस बार बीजेपी के लिए इम्पॉसिबल सी है, श्रावस्ती की सीट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये सीट भी गवाने की स्थिति में बीजेपी आ रही है। डुमरियागंज, डुमरियागंज जैन में नाम आता ही जगदम्बिका पाल का नाम याद आएगा, एक दिन के मुख्यमंत्री थे, वो दो बार जीते, एक बार कांग्रेस से जीते 2009 में, 2014 में बीजेपी में आ गए तो वहां से जीत गए, तो उनका एक अलग खेल है और इस खेल के चक्कर में इस बार उन्हें बीजेपी से टिकट जरूर दिया गया है, लेकिन इस बार उनकी हालत खस्ता है, खस्ता हालत से मतलब है कि मुश्किल में है, क्योंकि यहाँ पर 3 लाख के लगभग मुस्लिम वोटर उनके साथ नहीं है, 2 लाख के तकरीबन दलित वोट हैं वो उनके साथ नहीं है, ब्राह्मणों का साथ जरूर है तकरीबन 2.5 लाख है, उनका साथ जरूर उनको मिला है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी आई है उसमें जो शोहरतगढ़ है जो कि अपना दल के हिस्से में विधानसभा में सीट आई थी वहां से भी उनके हक में वोटिंग नहीं हुई है जगदम्बिका पाल के, और यहाँ पर खतरे की घंटी फिर जगदम्बिका पाल के लिए, क्योंकि उनकी पहचान उस रूप में जुड़ी हुई है, यहाँ पर आफ्ताब आलम को गठबंधन ने जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं उनको खड़ा किया गया है और चंद्रेश उपाध्याय को कांग्रेस ने खड़ा किया है, ये दरअसल पहले बीजेपी में थे, तो ये जो स्ट्रेटजी जो अपनाई गई है इसको थोड़ा समझना चाहिए। कांग्रेस के उम्मीदवारों को हमेशा नोट कीजिए, जाति के तौर पर या उम्मीदवार बीजेपी छोड़कर जो आए हैं उन्हें किस रूप में खड़ा किया गया, यही काम इलाहाबाद में किया गया, तो ये सारी चीजें जब छोड़ के आती हैं तो वोट काटे जाते हैं बीजेपी के, यानी बीजेपी को हराना है, कांग्रेस की स्ट्रेटजी बड़ी साफ थी, साथ में गठबंधन रहेगा, गठबंधन उस स्ट्रेटजी को हिस्से भागीदारी करेगा, जहां पर गठबंधन जीत रहा है वहां वोट कांग्रेस काटेगी, जहां कांग्रेस जीत रही है वहां समीकरण कांग्रेस के अनुकूल गठबंधन करने का प्रयास करेगी, ये भी मैसेज है, क्योंकि इस पूरे इलाके में ब्राह्मणों की तादाद भी काफी ज्यादा है, जिस बात का 2.5 लाख ब्राह्मण डुमरियागंज में भी है लेकिन ब्राह्मणों की तादाद ज्यादा है, तो चंद्रेश उपाध्याय यहां पर इसीलिए खड़े किए गए कि जगदम्बिका पाल का वोट कटे, और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, खास तौर से हल्लोर से जो हमारे एक सहयोगी है और शोरतगढ़ में, वो उन्होंने बताया कि ये इलाकों में जो है बहुत क्लियर कट गठबंधन के हिस्से में वोटिंग हुई है बीजेपी के लिए, यहां भी खतरे, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी पूरे पूर्वांचल में नजर आ रही है। बस्ती का इलाका राम की पहचान जोड़िए, गोरखनाथ की पहचान जोड़िए, वशिष्ठ ऋषि की पहचान जोड़िए, सभी की पहचान जोड़ दीजिए, लेकिन उसके बाद जरा सोचना शुरू कीजिए कि 2019 में क्या
जो उम्मीदवार खड़े हुए इनके ताल्लुकात किस रूप में किससे रहे, क्योंकि यहां से बीजेपी ने हरिश्चंद्र द्विवेदी को खड़ा किया। हरिश्चंद्र द्विवेदी पिछली बार चुनाव जीते थे, लेकिन जो चुनाव जीते थे वो बड़े कम वोट से जीते थे। जो उन्होंने समाजवादी पार्टी को हराया था, वो समाजवादी पार्टी को हराने में सिर्फ 30 या 31 हजार वोट से वो हरा पाए थे। और इस बार समाजवादी पार्टी के जो ब्रिज किशोर सिंह है वह तो उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि यहां पर गठबंधन की हिस्सेदारी में बीएसपी के पास गई। उन्होंने रामप्रसाद चौधरी को दिया है टिकट। रामप्रसाद चौधरी कप्तानगंज से आते हैं, उनको 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। और ये सारी स्थिति बताती है कि कांग्रेस ने हालांकि वहां पर राजकिशोर सिंह को दिया। राजकिशोर सिंह अखिलेश कैबिनेट में मंत्री थे और समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे। तो इस स्ट्रेटजी को जरा समझना होगा कि हरीश चंद्र चौधरी की मौजूदगी बीजेपी के साथ है, लेकिन ये सीट जिस लिहाज से यहाँ पर 15% हालांकि ये कुर्मी बहुल इलाका है पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पर दलित और मुस्लिमों का गठजोड़, यादवों की तादाद कम है, लेकिन ये सारी परिस्थिति बताती है कि हरिश्चंद्र द्विवेदी के लिए इस बार बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मोदी लहर में भी वो सिर्फ 30 हजार वोट से जीत पाए थे, 30 या 32 हजार वोट से वो जीत पाए थे। तो बस्ती की स्थिति भी उनके अनुकूल नहीं है। और इन सारी सीटों पर असर हम बार बार जो कह रहे थे कि क्यों आखिर अपर कास्ट का वोट ध्रुवीकृत नहीं हो पा रहा है, इसमें संत कबीर नगर की भूमिका वाकई बहुत बड़ी है। और शरद त्रिपाठी, क्योंकि ये थोड़ा समझना होगा कि उन्होंने जिस रूप में वहां के विधायक राजेश बघेल पर जो जूतों से वार कर दिया था और उसके बाद उनका टिकट तो कट गया, लेकिन ये मैसेज बड़ा हो गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजपूतों का दबदबा योगी आदित्यनाथ के जरिए इस रूप में बड़ा है कि ब्राह्मण दरकिनार हो गया है, और उनकी तमाम बातें जो थी शरद त्रिपाठी की उसको दरकिनार किया जा रहा है, और इसीलिए ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई। और इसका असर ये हुआ, हालांकि बीजेपी ने शरद त्रिपाठी का टिकट काट दिया, हालांकि उनके पिताजी को देवरिया से टिकट दे दिया, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी ने यहाँ पर प्रवीण निषाद को टिकट दिया, जो कि समाजवादी पार्टी छोड़कर आए थे, और गठबंधन ने यहाँ पर भीष्म शंकर को यहाँ पर खड़ा किया है, और कांग्रेस के भालचंद्र यादव है जो समाजवादी पार्टी में पहले थे, और पिछली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो इनको भी अच्छा खासा वोट मिला था, तकरीबन 2.5 लाख वोट पे 2014 में भालचंद्र यादव को बतौर समाजवादी पार्टी। यहाँ पर सवाल सिर्फ इतना था कि इस पूरे इलाके में बुनकरों की स्थिति नाजुक, जूट इंडस्ट्री चौपट हो गई, किसान बड़ी तादाद में बदहाल हैं, और इस इलाके में मगहर का इलाका भी आता है जहां पर कबीर चले गए थे निर्वाण स्थल, बनारस छोड़ के जो मगहर वो चले गए थे काशी छोड़कर, वो इलाका भी आता है। तो ये निर्वाण स्थल कहीं बीजेपी के लिए ना साबित हो जाए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे सहयोगी ने बताया कि खलीलाबाद और आलापुर में सीधे वोट शिफ्ट गठबंधन की तरफ हुआ है, और जो धन जो खाजनी का इलाका है, खाजनी और मेहंदावल का इलाका, यहाँ पर वोट कई हिस्सों में बटे हैं। ये एक स्थिति, 3-4 जगह से हालांकि धन खट्टा भी एक इलाका है, वहां से जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये मैसेज बहुत साफ है कि बीजेपी के लिए क्यों यहाँ पर मुश्किल है। बीजेपी किसी भी हालत में यहाँ पर ध्रुवीकरण कास्ट में नहीं कर पाई, धर्म में नहीं कर पाई, और जिस रूप में इस दौर में नरेंद्र मोदी का जो पूरा भाषण है, वह बालाकोट और पुलवामा से निकलकर जब राजीव गांधी और इन चीजों पर आ गया है, ये शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चीजें बुमरैंग कर गई है, ये नजर पूर्वांचल में नजर आ रहा है। और यहाँ पर उम्मीदवारों के चयन को खास तौर से बीजेपी को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए, ये बहुत साफ तौर पर नजर आया है। इसके बाद आइए जो लालगंज का इलाका है, यहां से जानकारी हमारे पास आई है। यहाँ पर नीलम सोनकर और बीएसपी की संगीता आजाद है, इनके पति भी बीएसपी में विधायक है, इन दोनों के बीच बड़ा सीधा मुकाबला है, लेकिन मैथमेटिक्स बिल्कुल खिलाफ है यहाँ पर। ये मुस्लिम दलित बहुल इलाका है लालगंज का इलाका, और जो हमारे पास हमारे सहयोगियों ने जानकारी दी है उसमें निजामाबाद, दीदारगंज और अतरुलिया, इन 3 जगह की जानकारी आई है कि ये यहाँ पर गठबंधन यानी बीएसपी के उम्मीदवार संगीता आजाद के पक्ष में है। नीलम सोनकर के पक्ष में जो फूलपुर पवई का इलाका है उसमें से जरूर है, और लालगंज का हिस्सा आता है उसमें से बीजेपी के हक में जरूर है, लेकिन
पिछली बार नीलम सोनकर वही उम्मीदवार खड़ी हुई थी, 3,24,000 वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को लगभग 2,60,000 मिले थे, बीएसपी को लगभग 2,60,000 मिले थे और समाजवादी पार्टी को पिछली बार लगभग 2,34,000 33,000 मिले थे। और ये सारी स्थिति बताती है कि बीएसपी इससे पहले 2009 में वो उसके सांसद रह चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लालगंज के इलाके में भी नीलम सोनकर का जीतना असंभव सा है। इसके बाद आइए, हमको लगता है भदोही, भदोही के बारे में भी अच्छी जानकारी आई है। यहाँ पर रमेश बिंद हैं जो कि मिर्जापुर के मांझवा से 3 बार एमएलए भी रह चुके हैं, वो बीजेपी के उम्मीदवार है। कांग्रेस ने यहाँ पर रमाकांत यादव को टिकट दिया है, बीएसपी ने रंगनाथ मिश्र को दिया है। जातियों पे आपको निगरानी रखनी होगी, कौन सा उम्मीदवार किस जाति का है और उस इलाके में कौन सी जाति महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण और मुसलमान भदोही में मौजूदगी है, इनकार नहीं किया जा सकता है। और रंगनाथ मिश्र अगर बीएसपी के उम्मीदवार हैं तो यह भी समझना होगा रमेश बिंद किस समाज को करते हैं और उसका मैसेज क्या निकल कर आएगा। ये जो रमेश बिंद को नया उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया, पिछली बार बीरेंद्र सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन उनको भेज दिया गया बलिया, इससे भी बड़ी डामाडोल स्थिति है कि आप ये क्या कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार बड़े मार्जिन से वो जीते थे, लगभग 4 लाख से ज्यादा उनको वोट मिला था और बीएसपी के उम्मीदवार को 2,45,000 वोट मिला था, समाजवादी पार्टी भी थी उनको भी लगभग 2.25 लाख वोट मिला था। जोड़िएगा तो बीजेपी का उम्मीदवार हार रहा है, मुकाबला बड़ा सीधा है और बीजेपी ने यहाँ कैंडिडेट चूंकि अपना बदला है, ये मैसेज भदोही में बहुत साफ तौर पर गया है। यहाँ के 3 इलाके जो औरई का इलाका है, हंडिया का इलाका है और भदोही का इलाका खुद का है, वहां पर बीजेपी को लाभ नहीं है। जानपुर में बीजेपी को लाभ जरूर है, प्रतापपुर से बीजेपी को लाभ जरूर है, लेकिन बाकी जगहों से बीजेपी को लाभ नहीं है। ये भदोही की स्थिति है, यहां पर स्थिति नाजुक बीजेपी की हो चली है। आजमगढ़ में बीजेपी ने सिनेमाई पट से लाया निरहुआ को दिनेश लाल निरहुआ, जो है भोजपुरी फिल्म के हैं, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव है। लेकिन हमें लगता है यहाँ बहस की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि दलित यादव मुस्लिम का गठजोड़ जो है अखिलेश यादव के लिए, इस बार और पिछली बार मुलायम सिंह यादव मोदी लहर में भी थे तो भी वह तकरीबन 80,000 वोट से जीते थे, रमाकांत यादव को उन्होंने हटाया था, इस बार समझ रहे थी तो एक लोकप्रिय चेहरे को बीजेपी ने लाकर रख दिया। बीजेपी की यह मुसीबत कई जगहों पर नजर आई है कि उसने अपनी विचारधारा छोड़ी है और चेहरों के आसरे चुनाव लड़ा, ये कई जगहों पर लड़ा है और इससे मैसेज अच्छा गया नहीं है। आजमगढ़ में बहुत अच्छी स्थिति है अखिलेश यादव की। जौनपुर का इलाका जो है, जौनपुर में पिछली बार बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो तकरीबन 1.5 लाख वोटों से कृष्ण प्रताप जीते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि बीजेपी ने यहां पर उनकी सीट बदल दी और केपी सिंह को उतार दिया, वही सीट नहीं बदली, उन्हीं को उतारा, कृष्ण प्रताप को उतारा। लेकिन यहां पर बीएसपी के जो सुभाष पांडे जो पिछली बार 2,20,000 से उतरे थे, उनकी सीट बदली गई और उन्होंने श्याम सिंह यादव को उतारा है। श्याम सिंह यादव कई जिलों में एसडीएम रह चुके हैं, मैजिस्ट्रेट भी थे। कांग्रेस ने यहाँ देवव्रत मिश्र को उतारा है। यहाँ पर भी जरा समझने की कोशिश कीजिए कि तीनों, एक यादव है, एक सिंह है, एक देवव्रत मिश्र है कांग्रेस के, और देवव्रत मिश्र जो है ये पूर्व कांग्रेसी थे, उनके बेटे हैं ये, और राज्यसभा सदस्य हुआ करते थे, देवव्रत मिश्र उनके बेटे हैं। लेकिन इस पूरे इलाके में जो ब्राह्मणों के वोट हैं वो और ठाकुर के वोट बटे हुए हैं, यहाँ पर यादव और मुस्लिम एक जरूर है। और ये स्थिति ये समझनी होगी कि किस तरीके से जातिगत समीकरण के हिसाब से जौनपुर की परिस्थिति भी, बीजेपी के कैंडिडेट जो पिछली बार चुनाव अच्छे खासे मार्जिन से जीते थे, अच्छे खासे मार्जिन से, मेरा कहने का मतलब है कि तकरीबन पहले और दोनों के दूसरे नंबर में 1.5 लाख का अंतर था, तो अच्छे खासे जीते थे। और उससे पहले अगर जाइएगा 2009 में तो बीजेपी का उम्मीदवार चौथे या पांचवें नंबर पर था, बीजेपी थी ही नहीं, या तीसरे नंबर पे था, मेरे ख्याल से सीमा कोई खड़ी हुई थी, 1,43,000 वोट मिले थे उनको। लेकिन ये रेंज बढ़ जाती है नरेंद्र मोदी के 2014 की स्थिति में। यहां से हमारे पास जानकारी आई है जो जौनपुर और बदलापुर का, यहाँ पर बीजेपी के लिए वोटिंग जरूर हुई है लेकिन बाकी जगहों पर बीजेपी के लिए वोटिंग नहीं हुई है। वो शाहगंज का इलाका है, मुंगरा का इलाका है, बादशाहपुर का इलाका और मल्हानी का इलाका है, यहाँ पर बीजेपी के लिए वोट नहीं हुई है। इसका लाभ गठबंधन को मिल रहा है। मछली शहर में टी राम, त्रिभुवन राम, ये गठबंधन के उम्मीदवार हैं। वीपी सरोज ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वीपी सरोज जो है इससे पहले बीएसपी में थे
और जब पिछला चुनाव 2014 का था, इस बार बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आ गए तो बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। ये थोड़ा समझना होगा कि जब कांग्रेस किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को यानी बीजेपी से ले आते वो बीजेपी का वोट काटता है, लेकिन बीएसपी का वोट काटने की स्थिति में बीएसपी का उम्मीदवार अगर छोड़कर बीजेपी में आता है तो संभव नहीं हो पाता है, ये वहां पर देखने को मिला है। तो जो बीएसपी के उम्मीदवार थे जो 2014 में थे बीपी सरोज, उनको तकरीबन 2,66,000 वोट मिले थे, बीजेपी के रामचंद्र निषाद को 4,38,000 वोट मिले थे। इस बार बीपी सरोज को बीजेपी ने टिकट दे दिया है, लेकिन बहुत सीधा मुकाबला यहाँ बीएसपी के त्रिभुवन राम से ही है और गठबंधन की स्थिति यहाँ पर खासी मजबूत है इस इलाके में। यहाँ पर तकरीबन 9% मुस्लिम हालांकि है, दलित भी 22% है, निषाद कुर्मी यादवों की भी मौजूदगी अच्छी खासी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सहयोगियों ने जो जानकारी दी है मछली शहर के बारे में, हमें लगता है कि जानकारी एक और आपको दें, लेकिन उससे पहले बता दें सहयोगियों की जानकारी जो हमारे पास आई है उसमें एक इलाका है मरियाहू और जाफराबाद, इन दोनों जगहों से गठबंधन को बड़ा लाभ हुआ है। पिंडरा और केराकट में बीजेपी के अनुकूल जरूर स्थिति है, लेकिन उतनी अनुकूल स्थिति नहीं है, मछली शहर में चीजें बटी हुई हैं। ये उम्मीदवार का बदलना, बीएसपी के उम्मीदवार को उतारना, मछली शहर के एक शायर हुआ करते थे सलाम साहब, उनकी एक शायरी बड़ी लोकप्रिय है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, तो ये जानकारी वहां से आ रही है। खैर बहरहाल, तो ये है यूपी के 14 सीटों का हाल, जिसका मैसेज बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में 14 में से 12 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एक अपना दल ने जीती थी, यानी 13 सीटें थी। इस 13 सीट में 9 सीट गंवाने की स्थिति में बीजेपी बहुत साफ तौर पर है, ये एक स्थिति है। इसके बाद हमारे पास जो जानकारी आई है, दिल्ली की जानकारी आ रही है, चूंकि हमारे सहयोगी लगातार दे रहे हैं दिल्ली की जानकारी, हमको लगता है बिहार चले चलना चाहिए, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की स्थिति। बिहार में 8 सीटों पर है, 8 में से 8 सीट है कहिए तो, क्योंकि 7 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर एलजेपी है। तो बिहार में हम लोग शुरू करते हैं, चंपारण का इलाका, महात्मा गांधी सबसे पहले वहीं गए थे, और चंपारण के इलाके से बात शुरू की जाए, कहां से किया जाए, हमें लगता है पूर्वी चंपारण से किया जाए, पूर्वी चंपारण से ही करते हैं, चूंकि कृषि मंत्री देश के राधा मोहन सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और एक शब्द में कहें तो चंपारण की 3 सीटें हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर उसके इलाके में आता है। और जब आप मोतिहारी के संग्रहालय में जाइएगा तो वहां अभी भी नील का पौधा लगा हुआ है, जो अंग्रेजों के जमाने में एक्सप्लॉयटेशन था किसानों का, उसका पौधा आपको वहां पर मिल जाएगा, प्रतीक के तौर पर लगाया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जब 2014 में प्रधानमंत्री सभा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ की शुगर मिल वो शुरू करा देंगे और जब शुरू होगी तो उसी की चीनी से बनी चाय वो पियेंगे। लेकिन 2019 आ गया, स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उस चीनी मिल में काम करने वाले 2 लोगों ने खुदकुशी की, तबाह हो गए परिवार के परिवार, और हमारी जानकारी के मुताबिक बड़ी तादाद में भूमियार और राजपूतों के बीच भी है, और वहां पर भूमियार आके डेरा लगा के बैठ गए हैं, राधा मोहन सिंह को हराना है और राधा मोहन सिंह हार रहे हैं चुनाव, ये बहुत साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं। इसमें कोई स्थिति ऐसी वैसी नहीं है कि यहाँ पर वो जीत पाएंगे, यहाँ पर राधा मोहन सिंह चुनाव हार रहे हैं। यहाँ पर आरएलएसपी ने खड़ा किया है आकाश कुमार सिंह को, इनके लिए पहला चुनाव है। ये अखिलेश प्रसाद सिंह जो हुआ करते थे यूपीए 1 में कृषि राज्य मंत्री थे, ये थोड़ा समझना होगा, जब ये कृषि मंत्री थे तो यहाँ पे इन्होंने एक चीनी मिल की शुरू की थी, ये शहरीयपुर को इलाका है, वहां पर इन्होंने चीनी मिल की शुरू की थी, शिलान्यास किया था, और उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नीतीश कुमार ने नहीं दिया। लेकिन इस इलाके में जो हमारे पास जानकारी, यहाँ पर कई चीनी मिलें हैं, मोतिहारी बरचकिया में भी है जो शुगर प्लांट है, यहाँ पर पवन रुइया, रुइया जो कॉरपोरेट के साथ जुड़े हुए हैं उनका भी यहाँ पर शुगर प्लांट है यहाँ पर। लेकिन पूर्वी चंपारण में हमारे पास जानकारी है, उसमें मोतिहारी का इलाका है, कल्याणपुर का इलाका है, गोविंदगंज का इलाका, यहाँ पर बिल्कुल राधा मोहन सिंह के खिलाफ की स्थिति है। पिपरा में कुछ स्थिति अनुकूल जरूर है, लेकिन हर सिद्धि में भी उनके अनुकूल स्थिति नहीं है, और यहाँ पर भूमियार और राजपूत लगभग 6 और 7% में बटे हुए हैं, 6% राजपूत है तो 7% भूमियार है, और बहुत सीधी उन्होंने ही पूरा स्थिति उठा ली है। तो राधा मोहन सिंह चुनाव पूर्वी चंपारण से हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं वो जीत नहीं सकते हैं। अब पश्चिमी चंपारण में चलिए, पश्चिमी चंपारण में एक फिल्मकार 2 बार उम्मीद बांधे थे कि हम चुनाव जीत जाएंगे, प्रकाश झा 2 बार चुनाव लड़े, 2009 में भी लड़े, 1.5 लाख वोट मिले, हार गए। प्रकाश झा पिछली बार भी लड़े, 2.5 लाख वोट मिले, हार गए। बीजेपी के संजय जायसवाल 2 बार जीत गए, इस बार भी संजय जायसवाल की स्थिति अच्छी है।
हम बुरी नहीं कहेंगे, वहां पर संजय जायसवाल के खिलाफ जो है वह ब्रजेश कुमार कुशवाहा है, ये आरजेडी के जो राजन तिवारी यहाँ पर दरअसल बागी हो गए, इसका घाटा इन्हें उठाना पड़ रहा है। और ये बीएसपी के टिकट से चुनाव मैदान में लड़ने की बात आ गई, ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन संजय जायसवाल चूंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, यहाँ पर संजय जायसवाल की स्थिति मजबूत है क्योंकि उनके अनुकूल वहां पर नौतन, बेतिया, नरकटिया और चनपटिया से अच्छी जानकारी आई है। ये एक स्थिति है कि पश्चिम चंपारण में बीजेपी अपनी सीट बरकरार रख सकती है। वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर में वैद्यनाथ महतो जनता दल यूनाइटेड के हैं और शाश्वत केदार, शाश्वत केदार याद कीजिए तो केदारनाथ पांडे जो थे, केदार पांडे कांग्रेस में थे, रेल मंत्री भी रहे, वो सीएम भी रहे, और ये उनके पिता मनोज पांडे वो भी सांसद रहे हुए हैं, वह उतर रहे हैं, वो टक्कर अच्छी दे रहे हैं वैद्यनाथ महतो को। और टक्कर अच्छा जीतने का मतलब है कि यहाँ पर एक जाति है थारू जाति, थारू जाति के तकरीबन 1.5 लाख वोट है, और जब वोट बट रहे हैं मुस्लिमों के 3 लाख वोट है, मान लीजिए कुशवाहा ब्राह्मणों के तकरीबन 1.25 लाख वोट है, लेकिन इस पूरे इलाके में जानकारी थारू जाति जो है वो किस तरफ झुकती है वो एक निर्धारित होगी, और जनता दल यूनाइटेड की जीत तभी होगी थारू जाति अगर उनकी तरफ चली जाती है, अन्यथा शाश्वत केदार टक्कर अच्छी दे रहे हैं, लेकिन अगर थारू जाति मूव करती है तो वो चुनाव जीत सकते हैं। यहाँ पर जो पिछली बार सतीश चंद्र दुबे जीते थे वो बीजेपी के थे, इस बार जनता दल यूनाइटेड के पास सीट आई, पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट भी थे, जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट भी थे, हालांकि बैद्यनाथ महतो को पिछली बार सिर्फ 81,000 वोट मिले थे, लेकिन उसका दूसरा सच यह भी है कि बैद्यनाथ महतो 2009 में सांसद भी रहे थे और उस समय 2,77,000 इनको वोट भी मिले थे, और हमारी जो जानकारी सहयोगी बता रहे हैं उसमें ये बहुत बता रहे हैं कि नरकटियागंज और लौरिया का इलाका, यहाँ से केदार को जरूर फायदा हो रहा है शाश्वत केदार को, लेकिन रामनगर और सिकता यहाँ वोट बटे हुए हैं, नरकटिया वाल्मीकि नगर में ये बीजेपी के अनुकूल की यहाँ पर वोटिंग हुई है जो जानकारी आई है, तो ये एक आपको डामाडोल की स्थिति में रखना होगा क्योंकि थारू जाति की जानकारी नहीं निकल कर आई, लेकिन वो निर्णायक भूमिका में रहेगी, ये जानकारी जरूर निकल कर आई। इसके बाद आइए शिवहर का इलाका, शिवहर में मौजूदा वक्त में रमा देवी आरजेडी के सैयद फैजल अली, हम इसलिए आपको जिक्र करते हैं, ये जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट हैं और कई जगह बीबीसी में भी काम कर चुके हैं, एक अरब न्यूज में भी काम कर चुके हैं, राष्ट्रीय सहारा में भी काम कर चुके हैं। रमा देवी की खासियत यह है बीजेपी की कि रमा देवी की पहुंच और पकड़ मुस्लिमों के बीच भी है, ये पिछली बार भी जीती थी और 2009 में भी जीती थी। रमा देवी की पहचान अगर समझनी हो तो इनके पति थे ब्रज बिहारी प्रसाद जो थे, उनकी हत्या 1998 में कर दी थी, यूपी के गैंगस्टर थे श्री प्रकाश शुक्ला, उन्होंने उनके पति की हत्या की थी, उसके बाद वो राजनीति में आई, 2009 में जीती, 2014 में जीती, और इस बार मुकाबला बहुत सीधे तौर पर है, आरजेडी के साथ है यहाँ पर जो सैयद फैजल अली पत्रकार हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि वो मुस्लिमों के बीच भी काफी कुछ जाती है, रमा देवी यहाँ से चुनाव जीत सकती है उस हालत में जब वहां का मुस्लिम ये ना सोचे कि बीजेपी को हराना है और उसी लिहाज से रमा देवी को भी हराना है, अगर उसके मूवमेंट रमा देवी के अनुकूल रहेंगे तो रमा देवी यहां से चुनाव जीत रही है शिवहर से, अन्यथा वो हार जाएगी क्योंकि MY गठबंधन जो है ये 3.5 लाख है और ये काफी बड़ा मैसेज है, लेकिन दूसरी स्थिति यह है कि यहाँ पर वैश्य समाज जो है उसकी स्थिति भी 4 लाख है, राजपूत बहुल इलाका है यह इलाका, तो यहाँ पर रमा देवी की स्थिति मजबूत जरूर है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। वैशाली, वैशाली में रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव फिर लड़ रहे हैं जो कि 2009 में जीते थे, ना सिर्फ 2009 में कई बार जीते हैं, पिछली बार लेकिन ये लगभग 1 लाख वोट से हार गए थे रामा किशोर सिंह से, उनको 3,05,000 वोट मिला था, रघुवंश बाबू को तकरीबन 2,06,000 वोट मिला था, जनता दल यूनाइटेड के भी उम्मीदवार थे उनको भी 1.5 लाख के लगभग वोट मिला था, लेकिन यहाँ के जो समीकरण है उसमें MY समीकरण, EBC जो सहनी का इलाका है, OBC कुशवाहा, ये सारे समीकरण बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि रघुवंश बाबू की स्थिति यहाँ पर मजबूत है, लेकिन लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि ये पहले, इससे पहले जब भी रघुवंश बाबू जीते हैं तो उनके सामने उन्हीं के जाति के कैंडिडेट खड़े होते थे, लेकिन अब भूमियार और राजपूत के वोट बटने की स्थिति आई है इस इलाके में और वो बटेगी, ये फैक्ट है, इसका घाटा रघुवंश बाबू को उठाना पड़ेगा। यहाँ पर LJP ने वीणा देवी को खड़ा किया उनके हिस्से में, ये पहले बीजेपी में ही थी, ये जनता दल यूनाइटेड के MLC हैं, दिनेश सिंह बाहुबली है उनकी पत्नी है, और ये
दिनेश सिंह जो थे ये आरजेडी में रहे हुए हैं 13 साल तक और पोल मैनेजर के तौर पर थे, तो इनकी बाहुबली एक है, तो ये उस गणित को जानते हैं कि कैसे क्या काम करना है। तो यहाँ पर वीणा देवी की स्थिति और रघुवंश बाबू की स्थिति बराबर की है, ये कांटे की टक्कर आपको वैशाली में नजर आएगी। इसमें ये कोई फैसला ले पाना, हमारे सहयोगी ने कहा ये थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इसको इसी रूप में रखिए कि कोई भी जीत सकता है वैशाली में, रघुवंश प्रसाद सिंह भी जीत सकते हैं, वीणा देवी भी जीत सकती है, लेकिन गोपालपुर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोपालपुर में पिछली बार जरूर जनक राम जो थे उनको अच्छी खासी मार्जिन से वो चुनाव जीते थे, इस बार स्थिति जनता दल यूनाइटेड के चूंकि हिस्से में चली गई और उन्होंने आलोक सुमन को टिकट दिया है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है नहीं, जो समीकरण है वहां पर। पहली बार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी ने खड़ा किया सुरेंद्र राम को, वो भी दोनों पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जातिगत समीकरण जो है वो बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड की स्थिति अच्छी नहीं है, ये खांसी है, ये स्थिति, यहाँ पर सीट बीजेपी ने जेडीयू को दिया जरूर है लेकिन वह सीट गवा सकती है। दो सीट और बची हुई है, सिवान की सीट, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बड़ी जबरदस्त लड़ाई है, दो बाहुबलियों की पत्नियों की लड़ाई है, आरजेडी के हिना साहब जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी, और जनता दल यूनाइटेड ने कविता सिंह को दिया है जो कि बाहुबली अजय सिंह की पत्नी है, और ये दोनों लड़ाई में तीसरे सीपीआईएमएल ने भी खड़ा किया है। आपको याद हो तो जेएनयू के प्रेसिडेंट हुआ करते थे चंद्रशेखर, उनकी हत्या वहां पर हुई थी, वो केस अभी भी चल रहा है और ये जेल में, तिहाड़ जेल में बंद है मोहम्मद शहाबुद्दीन, लेकिन उनकी पत्नी वहां पर लड़ रही है। उनकी पत्नी लगातार 2 बार लड़ी चुनाव, दोनों बार हारी, उससे पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शहाबुद्दीन ही जीतते थे, 96 में जीते, 98 में जीते, 99 में जीते, 2004 में जीते, और उसके बाद जो कुछ हुआ जेल हुआ तो उसके बाद उनकी पत्नी आ गई, पत्नी दोनों बार हारी, हालांकि वोट अच्छे मिले, पहली बार 1,72,000, दूसरी बार 2,58,000। इस बार भी स्थिति जो है हिना साहब की अच्छी नहीं है ये कह सकते हैं, लेकिन गठजोड़ जो है वो गठजोड़ बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस बार ये मानकर चला जा रहा है कि वोट बटेंगे नहीं, दोनों आपस में आमने सामने खड़े हैं, तो ये हो सकता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी जीत जाए, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, और यहाँ पर कविता सिंह की स्थिति कॉम्पिटेटिवली उनकी अच्छी है जो नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में तो ओम प्रकाश यादव थे तो उनके यादव वो वोट में सेंधवारी कर ली थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है वोट में सेंधवारी नहीं होगी, वो पूरे के पूरे वोट जो है हिना साहब को जाएंगे जो कि आरजेडी की और मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, तो यहाँ जाति और जमात पर वोटिंग पड़ती है और उसका लाभ इस बार माना जा रहा है कि आरजेडी के उम्मीदवार को हो सकती है। हालांकि स्थिति सहयोगियों ने कहा कि हिना जीत सकती हैं अगर एकमुश्त वोट पड़े, लेकिन वहां पे पिछली बार की तुलना में वोट परसेंटेज कम हुआ, ये भी एक फैक्ट है। महाराजगंज से जानकारी आ रही है कि वहां जनार्दन सिंह सिंगरीवाल जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो पिछली बार भी वहां पर एमपी थे, जीते थे, और आरजेडी ने यहाँ पर रणधीर सिंह को खड़ा किया है। रणधीर सिंह जो हैं वो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, प्रभुनाथ सिंह यहाँ पर सांसद कई बार रह चुके हैं और प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, लेकिन यहाँ पर लालू यादव के साले साधु यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है, और यहाँ पर बहुत साफ तौर पर जो राजपूत भूमियार के वोट है उनके बीच की लड़ाई है, और ये हो सकता है यहाँ पर वोटों का समीकरण जिस तरीके से है उसमें विधानसभा की सीटें जो है खास तौर से गोरैया, कोठी, मांझी, बनियारपुर और तरैया में ये सारी चीजें प्रभुनाथ सिंह के अनुकूल है, हालांकि महाराजगंज और एक्का का इलाका जो है वो सिंगरीवाल के अनुकूल है जो जानकारी आई है, लेकिन फिर भी इस जगह पर जनार्दन सिंह सिंगरीवाल इस बार चुनाव हार सकते हैं, प्रभुनाथ सिंह के बेटे चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि बेटे को लेकर हमारे सहयोगी कह रहे थे जरा संभल कर कहिएगा, बच्चों पर इस बार बहुत ज्यादा जोर वहां के इलाके का नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि प्रभुनाथ सिंह को लेकर उस इलाके में एक तरह की सहानुभूति भी है, ये भी एक फैक्ट है। बारह यूपी हो गया, बिहार हो गया, इसके बाद हमें लगता है जो क्या जानकारी आई है झारखंड के इलाके फटाफट बताते हैं, क्योंकि तो झारखंड की 4 सीटें हैं और चारों सीट बीजेपी के पास है, और हमारी जानकारी जो आ रही है ये हो सकता है कि चारों सीट पर बीजेपी हार जाए। गिरिडीह, यहाँ पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, पिछली बार बीजेपी के रविंद्र कुमार पांडे जरूर चुनाव जीते थे लेकिन बहुत कम, 40,000 वोट से जीते थे जेएमएम के, इस बार आजसू के हाथ में ये टिकट गई है गठबंधन के तहत, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस जेवीएम सब मिलकर जागरनाथ महतो को दिए हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। धनबाद की स्थिति बड़ी मजबूत है, कांग्रेस के कीर्ति आजाद यहाँ पर है, एक यही सीट है जहां पर टक्कर है,
अन्यथा जमशेदपुर, हम इसमें आए इससे पहले बता दें, जमशेदपुर की स्थिति जो है वहां की जानकारी हमारे पास आई है कि वहां पर विद्युत वरण महतो और जेएमएम के चंपई सुरण जो है, गुरु और चेले की यह लड़ाई है, क्योंकि जो बीजेपी ने जिनको टिकट दिया वो कभी जेएमएम थे, और जब वो जेएमएम में चुनाव लड़ते थे तो चंपई सुरण उनके पीछे खड़े रहते थे और वो टाइगर के तौर पर रहते थे, उनकी पहचान टाइगर के तौर पर थी, और ये सरायकेला से एमएलए भी है। और अगर जेएमएम के भीतर झांकिएगा तो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन ही है जो टाइगर के तौर पर पहचान है, तीसरे नंबर के नेता यही है। यहां पर विद्युत शरण मेहता इस बार मुश्किल है बहुत जीतना, वो नहीं जीतेंगे। हालांकि रघुवर दास भी यहीं से आते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है सीएम होने के बावजूद भी, इसीलिए हमारी जानकारी जो वहां से आ रही है, यहाँ पर दो सीट खास तौर से बाराई गोड़ा और पोटका की सीट में जेएमएम के हिस्से में जा रही है, चीजें अनुकूल है। हालांकि जमशेदपुर पूर्व और घाटशिला का इलाका जो है ये बीजेपी के हिस्से में जा रहा है, ये थोड़ा नक्सल इफेक्टेड एरिया भी है, आदिवासी भी यहाँ पर 30% आदिवासी भी है, और अलग अलग जातियों पिछड़ी जातियां भी यहाँ पर तकरीबन 32% है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गुरु चेले में इस बार हो सकता है चेला जीत जाए। सिंहभूम की स्थिति, यहाँ पर जेएमएम के कैंडिडेट गीता कोड़ा, मधु केड़ा जो एक मुख्यमंत्री थे निर्दलीय, एक वक्त जीत कर आए थे, उनकी पत्नी को टिकट दिया कांग्रेस ने गठबंधन की तरफ से, और बीजेपी के लक्ष्मण गिलुवा है जो पिछली बार चुनाव जीते थे, लेकिन यहाँ पर स्थिति मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा की मौजूद है, ये क्योंकि मनोहरपुर, चक्रधरपुर, चाईबासा, मंझगांव और सरायकाला चारों पांचों जगह से जानकारी आई है, वो स्थिति अनुकूल है जेएमएम की और कांग्रेस के उम्मीदवार गीता कोड़ा की, इसलिए यहाँ पर भी, तो ये तीन सीट तो बीजेपी गंवा रही है। चौथी सीट जो हम बोलते हैं धनबाद की, धनबाद में कीर्ति आजाद के सामने पशुपतिनाथ सिंह है, जो कि पिछली बार तकरीबन 3 लाख वोटों से जीते थे कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर, लेकिन कीर्ति आजाद चूंकि अब नई जगह पर गए हैं, लेकिन कीर्ति आजाद वहां पर इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि कीर्ति आजाद 1983 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद बोकारो स्टील में उन्होंने नौकरी की थी और क्रिकेट सिखाते थे, और 11 साल तक वो रहे, तो उनकी एक पहचान वो लिए हुए हैं और वहां पर लोगों से जुड़ भी रहे हैं। हालांकि पशुपतिनाथ सिंह ने धनबाद में काम नहीं किया है ऐसा बिल्कुल नहीं है, काम किया है और ये स्थिति टक्कर की है, लेकिन कीर्ति आजाद का जोश और उनके अतीत और उनके पिता भागवत आजाद, इसके सहारे वो टक्कर में जरूर आ गए हैं, इनकार नहीं किया जा सकता है। ये सीट टक्कर की है, हमने कहा शुरू में हो सकता है चारों सीट गंवा दे, हो सकता है धनबाद की सीट टक्कर के हिसाब से क्या होगा परिणाम यह भी बता पाना मुश्किल है। इसके बाद हमें लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपके साथ जो जानकारी आ रही है हमारे पास, इसमें क्या जानकारी आई है, मध्य प्रदेश की फटाफट आपको जानकारी देते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में हर किसी की रुचि है। जो जानकारी आई है उसमें सबकी रुचि भोपाल को लेकर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे दिग्विजय सिंह का हर दाव कामयाब हुआ है ये जानकारी आ रही है, और जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर है इनके लिए स्थिति अनुकूल नहीं है, ये थोड़ा समझना होगा कि बीजेपी के आलोक संजर पिछली बार यहाँ से जीते थे, उससे पहले कैलाश जोशी जीते थे, इस बार प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आ गया, यहाँ पे संघ सक्रिय नहीं है, यहाँ पे बीजेपी के लोग भी उस रूप में सक्रिय नहीं है। दिग्विजय सिंह दूसरे कांग्रेसियों की तुलना में इतने ज्यादा पॉलिटिक्स के माहिर हो गए हैं कि वह संघ के भीतर भी घुसे हुए हैं, बीजेपी के लोगों के भीतर भी घुसे हुए हैं, और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इन्होंने सबका काम किया है और भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार कांग्रेस की है, ये सारी परिस्थितियां इस बार दिग्विजय सिंह के अनुकूल है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जीतना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है, ज्यादा उस पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता है क्योंकि तो बड़ी क्लियर कट हमारे सहयोगियों ने जानकारी दी है। राजगढ़ भी महत्वपूर्ण है और जाहिर है दिग्विजय यहाँ पर जब फॉर्म भरने पहुंचे, यहाँ पर कांग्रेस की मोना सुस्तानी जो है, जो कि स्थानीय है और काफी विश्वस्त मानी जाती है दिग्विजय की, उनके फॉर्म भरने के साथ थे, दिग्विजय के बेटे जयवर्धन जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, यहाँ पर रोडमाल नागर इससे पहले चुनाव जीते जरूर थे 2 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के अमलेश नारायण सिंह से जो आया था, लेकिन राघोगढ़ सीट पे दोबारा लौटने की स्थिति में कांग्रेस आना चाहती है, 2014 में मोदी लहर में गंवा दिया था, इस बार हमारी जानकारी के मुताबिक मोना सुस्तानी और रोडमल नागर के बीच में मुकाबला तगड़ा है, लेकिन जो जानकारी आई है उसमें मोना सुस्तानी की स्थिति अच्छी है, या उल्टा कहें रोडमल नागर की स्थिति अच्छी नहीं है, ये हमारे पास भोपाल और उसके बाद राजगढ़ की स्थिति आई है। तीसरी जानकारी गुना से आई है, गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि डिस्कशन उस पर भी बहुत नहीं है, 3 पीढ़ियों से कब्जा है
और हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हो सकता है इस बार काफी मार्जिन से वो चुनाव जीत जाए। पिछली बार हालांकि वो सिर्फ 1,20,000 वोट से जीते थे, इस बार ज्यादा मार्जिन से जीत जाए, क्योंकि हमारे पास जानकारी आई है शिवपुरी, बमोरी, गुना, चदेरी और कोलारस से, इन जगहों पर जबरदस्त वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में हुई है। इसके बाद आइए ग्वालियर, यहाँ पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव है और वो चाहते हैं कि इस बार उनका उम्मीदवार चुनाव जीत जाए, और कांग्रेस ने यहाँ पर देवाशीष जरारिया को टिकट दिया है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 8 विधानसभा जो इस आती हैं, ये सॉरी ये ग्वालियर नहीं, ये भिंड पे हम आ गए थे, ये जो जानकारी आ रही है यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर पिछली बार चुनाव जीते थे बीजेपी के ग्वालियर से, इस बार वो मुरैना चले गए, तो इसका खामियाजा उस नए उम्मीदवार को भुगतना पड़ा जो विवेक नारायण शेजलवार है, इसीलिए इनके लिए मुश्किल है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अशोक सिंह को टिकट दिया, अशोक सिंह पिछली बार सिर्फ 29,000 वोटों से आ रहे थे, तो कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार जीतेंगे। और ये समझना होगा अशोक सिंह की पहचान दिग्विजय से नजदीकी तो है और एक होटलियर भी है ये, लेकिन ये स्वतंत्रता सेनानी कक्का डोंगर सिंह के नाती भी हैं और पूर्व मंत्री राजन सिंह के बेटे भी हैं। अशोक सिंह की स्थिति मजबूत है और ग्वालियर में इस बार कांग्रेस चुनाव जीत रही है। भिंड में, भिंड जिसका हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर कांग्रेस ने देवाशीष जरारिया को टिकट दिया है, बीजेपी ने संध्या राय को दिया और बीएसपी ने बाबूराम जमौर को दिया, लेकिन मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में भी है। यहाँ की 8 विधानसभा में से 5 पर चुकी कांग्रेस इस बार जीती है विधानसभा में, इसका लाभ बहुत साफ तौर पर मिल रहा है। और चूंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया, पिछली बार भागीरथ प्रसाद तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन कांग्रेस ने भी हालांकि उम्मीदवार बदला, लेकिन बीजेपी के सांसद को बदलना यहाँ के लोगों के अनुकूल भिंड में थोड़ा अनुकूल नहीं है, और यही स्थिति कमोवेश मुरैना की भी है। मुरैना में बीजेपी नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर आई है, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि पहले ग्वालियर से थे वो अब यहाँ से आ गए हैं, हालांकि वो यहाँ से आए हैं उनकी स्थिति मजबूत जरूर है, लेकिन सिंधिया के करीबी रामनिवास रावत को यहाँ पर टिकट दिया गया है, और जो हमारे पास जो जानकारी वहां से आई है उसके मुताबिक यहाँ पे जाति बहुत मायने है इस बार नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ। पिछली बार वाजपेयी जी के भतीजे अनूप मिश्रा चुनाव लड़े थे और वो तकरीबन वो इस बार विरोध भी कर रहे हैं और एक ग्रुप विरोध भी कर रहा है, ये नरेंद्र सिंह तोमर के लिए अच्छी बात नहीं है। बीजेपी में बीजेपी के लोग ही सेंध लगा रहे हैं, इसीलिए ये स्थिति हो सकती है कि मुरैना की सीट रामनिवास रावत जीत जाए, ये हो सकता है इस बार यहाँ पर, और तोमर के लिए मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर ठाकुरों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, वैश्य भी यहाँ पर है, मीना रावत भी यहाँ पर है, लेकिन फिर भी इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर की स्थिति यहाँ पर अच्छी है नहीं। सागर, सागर में बीजेपी ने राज बहादुर सिंह को खड़ा किया है, अपने पुराने सांसद को बदल दिया है। राज बहादुर सागर नगर निगम के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादव पिछली बार चुनाव जीते थे, और कांग्रेस के गोविंद सिंह पिछली बार चुनाव लड़े उनको भी बदल दिया गया, प्रभु सिंह ठाकुर को लिया, ये बीना से आते हैं। तो ये दोनों स्थिति बतलाती है कि यहाँ की स्थिति जिस रूप में मौजूद है, यहाँ पर भी राज बहादुर सिंह से ज्यादा मजबूत स्थिति में कांग्रेस के प्रभु सिंह ठाकुर है, जो जानकारी हमारे सहयोगियों ने दी है। इसमें एक सीट और है विदिशा, ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट है विदिशा, क्योंकि वाजपेयी जी यहाँ से जीते, सुषमा स्वराज यहाँ से जीती, शिवराज भी जीते, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक जो रामनाथ गोयनका थे, वह भी 1971 में भारतीय जनसंघ की सीट पर यहाँ से चुनाव लड़े थे और जीते थे, तो इसका एक हिस्टोरिक महत्व इस बार तो है नहीं सुषमा स्वराज। इस बार बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को दिया है टिकट, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिला सहकारी बैंक और एक्सिस बैंक है उसके अध्यक्ष हैं ये, ब्राह्मण जाहिर है, और राजनीतिक समीकरण इनके अनुकूल लग रहा है यहाँ पर, और स्थानीय चेहरा है, और इसीलिए शायद जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं शैलेंद्र पटेल की इतनी स्थिति अच्छी नहीं है विदिशा में जितनी स्थिति रमाकांत भार्गव की है, तो रमाकांत भार्गव यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। तो इन 8 सीटों में जो मध्य प्रदेश की 8 सीट है, यहाँ पर 4 सीट साफ तौर पर गंवाने की स्थिति में, भोपाल, राजगढ़, ग्वालियर, गुना गंवाने की स्थिति में बहुत साफ तौर पर है। मुरैना और भिंड की स्थिति नाजुक है, सागर विदिशा में जीत जाएगी बीजेपी, मुरैना भिंड की स्थिति नाजुक है, लेकिन ये एक स्थिति है कि 4 सीट गंवा रही है, ये बहुत साफ है। इसके बाद हम लोग बड़ा तेजी से चलें, अब ये स्थिति आई है पश्चिम बंगाल, हम फटाफट बता देते हैं पश्चिम बंगाल में, चूंकि इस बात को लेकर बहस है, 8 सीट चूंकि टीएमसी के पास है, यहाँ पर सिर्फ 1-2 सीट पर बहस हो सकती है बीजेपी को लेकर, क्योंकि पुरुलिया की सीट जहाँ पर
टीएमसी के मृगांक महतो लड़ रहे हैं, वहां पर बीजेपी के ज्योतिर्मय महतो जो है, ये यहाँ पर बीजेपी की स्थिति वाकई मजबूत है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि 2018 में ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को इसी जगह पर मिली थी, पुरुलिया में। तो पुरुलिया में ना सिर्फ टक्कर दे रही है बल्कि स्थिति भी अच्छी है। और ये थोड़ा समझना होगा कि पुरुलिया, झारग्राम और जो जंगल महल का इलाका है, यहाँ के लोग टीएमसी से या ममता से इसलिए नाराज हैं क्योंकि जो सरकारी अनाज मिलता है 2 रुपए का, वह भी 10 में से 2 ही लोगों तक पहुंच पाता है, 8 लोग को नहीं मिल पाता है। वो करप्शन है बीच में, हालांकि ममता ने टीम को बदला है, लेकिन इस इलाके की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर ममता की ब्रिगेड भी काम नहीं कर सकते। इलाके, यहाँ के लोग बड़े जंगल महल के इलाके जो है, चूंकि इन्होंने एक वक्त सीपीएम की सरकार को हिला दिया और ममता बनर्जी को उनका साथ मिला इस बार इस इलाके में, इसलिए इस इलाके की 2 सीटें जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, खासतौर से झारग्राम और पुरुलिया की सीटें। इन 2 सीटों पर बीजेपी टक्कर दे रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जीतना नहीं, जीतने का मतलब सिर्फ ये है बंगाल में लेकर, बंगाल में 3 काम बड़े महत्वपूर्ण है। 1, आप घर से वोट देने निकल जाइए। 2, वोट देने के लिए, वोट देने पहुंचिए तो उस लाइन की कतार में आप लगे रहिए, और उस कतार में भी कोई आपको, कोई दादा ना आए जो बाहर निकाल दे आपको कि आप निकल जाइए। और 3, जब आप अंदर वोट देने जाएं तो आपसे जबरदस्ती कहीं पर ठप्पा ना लगवा लिया जाए। ये स्थिति भी स्ट्रेटजिकली एक दौर में सीपीएम की थी, इस दौर में ममता यानी टीएमसी की है। इसके पार पाना बीजेपी के लिए मुश्किल है। अमित शाह और मोदी चाहे जितने भाषण दें, लेकिन अभी बूथ स्तर पर बीजेपी बंगाल में नहीं मजबूत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 1 बात। दूसरी बात, बंगाल में जो गुस्सा है ममता बनर्जी को लेकर, उसको बीजेपी ने कॉमनल तरीके से वहां उभारा है। रामनवमी मनानी हो या 6 दिसंबर का जिक्र हो, इसको थोड़ा समझना होगा। इससे पहले बंगाल में कॉमनल तरीके से चीजें डिवाइड नहीं होती थी, पहली बार जातिगत तौर पर डिवाइड हो रही है। लोग जाति पूछ रहे हैं और धर्म पूछ रहे हैं, इतने परसेंट मुस्लिम वोट दिए कि नहीं दिए, इतने हिंदू आए, ये इस जाति का है, ये पहली बार वहां पर नजर आ रहा है, जो इससे पहले नहीं होता था। लेकिन यही एक्सेप्टेंस बीजेपी को अंदर घुसने नहीं दे रही है, क्योंकि लेफ्ट मानसिकता जो पश्चिम बंगाल की है, वो ट्रेनिंग ममता बनर्जी ने ली, लेकिन बीजेपी उस ट्रेनिंग को नहीं ले पाई है। अभी भी उसकी विचारधारा जो नागपुर या दिल्ली से चलती है, वो बंगाल में जाकर सीमा पर रुक जाती है। इसलिए हम सिर्फ 2 सीट के हिस्से बता रहे हैं, जहां पर पुरुलिया और झारग्राम जो है, वहां पर इनके लिए अनुकूल स्थिति बन सकती है, लेकिन ये कहना मुश्किल है। और हम ये बताएं कि ममता बनर्जी का जो लगातार हम देख रहे हैं ट्रेंड, ममता बनर्जी 40+ सीट लाने की स्थिति में बन रही है वहां पर, ये बहुत साफ तौर पर है। इसके अलावा बाकी सीटों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा की सीट, हरियाणा में बड़ा शानदार मुकाबला है, ये तो मनाइए कि बीजेपी के अनुकूल हो गया कि INLD टूट गई, और INLD के टूटने का असर यह है कि यहाँ पर इसका लाभ बीजेपी को जरूर मिल रहा है। दिल्ली से सटी गुरुग्राम की सीट, यहाँ पर बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह हैं, उनकी स्थिति खासी मजबूत है। कांग्रेस के कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, लालू के समधी हैं, लेकिन उनका जीतना मुश्किल है। हालांकि ये थोड़ा समझ लेना होगा कि यहाँ पूरे हरियाणा में राष्ट्रवाद, बालाकोट और पुलवामा का जिक्र बार बार किया गया, लेकिन करगिल के युद्ध के समय भी बीजेपी जीत नहीं पाई थी। और इस इलाके में गुरुग्राम में जो था, शहीद कमांडेंट सुखबीर सिंह की पत्नी सुधा यादव थी, वो खड़ी हुई थी लेकिन जीत नहीं पाई थी, ये थोड़ा समझना होगा। तो स्थिति अलग अलग है, लेकिन बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह पिछली बार 3 लाख के लगभग, 3.25 लाख से वोट से जीते थे, इस बार भी उनकी स्थिति मजबूत है। कांग्रेस के कैप्टन अजय सिंह यादव जो है, वो लालू यादव के समधी हैं, रेवाड़ी से MLA भी हैं, लेकिन उसकी स्थिति उनकी इतनी अच्छी है। INLD ने यहाँ पर उद्योगपति वीरेंद्र राणा को खड़ा किया है, और जननायक जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर यहाँ पर खड़ा किया है महमूद खान को, लेकिन यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह की स्थिति मजबूत है। रोहतक बड़े मामले, बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से दीपेंद्र हुडा लास्ट टाइम चुनाव जीते जरूर थे, लेकिन इस बार इनकी स्थिति बराबर की टक्कर की आकर खड़ी हो गई है। और जो अरविंद शर्मा है बीजेपी के, अरविंद शर्मा बीजेपी के नए नेता के तौर पर सोनीपत से आते हैं, ये रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर अरविंद शर्मा चुनाव जीत जाते हैं तो अरविंद शर्मा बीजेपी के बीच में आने वाले वक्त में एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर होंगे। दीपेंद्र हुडा के पक्ष में यह है कि जाट वोट यहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में है वो उनके हक में है, जो कि तकरीबन 6.5 लाख है जो इनके हक में है। लेकिन इस पूरे हरियाणा पे जिसका असर पड़ा है वो जाट आरक्षण आंदोलन का पड़ा है, 2016 में जो हुआ था, चीजें बट गई है। डेरा जो गुरु राम रहीम और रामफल का जो डेरा है, वह बीजेपी के अनुकूल नहीं जा रहा है।
तो इन सब का लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। दीपेंद्र हुडा के सामने टक्कर बड़ी जबरदस्त है अरविंद शर्मा की, लेकिन जो हमारे सहयोगी बार बार कह रहे थे चुनाव जीत जाएंगे दीपेंद्र हुडा, मुश्किल होनी नहीं चाहिए, लेकिन मुश्किल तो है। पिछली बार ओम प्रकाश धनखड़ को नारा था, इस बार अरविंद शर्मा उतरे हैं, लेकिन टक्कर दी जा रही है जो आखिरी मोमेंट तक हमारे पास जानकारी आ रही है। लेकिन दीपेंद्र हुडा 20 पर पड़ रहे हैं, 19 पर अरविंद शर्मा है। उसके बाद आपको जिक्र करना होगा पिता की सीट का, जो सोनीपत की सीट भूपेंद्र सिंह हुडा चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुडा भी चुनाव सोनीपत में फंसा हुआ सीट जरूर है यहाँ पर, और ये स्थिति बताती है बहुत साफ तौर पर कि जाट को लेकर एक तरह से और दूसरी तरफ गैर जाट को लेकर बीजेपी ये चाहती रही कि जाट और गैर जाट बढ़ जाएगा तो इससे उनके अनुकूल स्थिति हो जाएगी। सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुडा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ बीजेपी के रमेश चंद्र कौशिक हैं, जननायक पार्टी भी यहाँ पर है, दिग्विजय चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष जो है जननायक पार्टी के दुष्यंत उनके छोटे भाई हैं दिग्विजय चौटाला, वह भी चुनाव लड़ रहे हैं। वह किसका वोट काटेंगे? जाहिर है जाट का वोट कटता है तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा यहाँ पर और रमेश चंद्र कौशिक जीत जाएंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुडा जो राजनीति में माहिर है उसमें ये मानकर चला जा रहा है कि वह भी यहाँ पर बेटे की तरफ बीसी रहेंगे, तो सोनीपत और रोहतक की सीट बाप बेटे की बचेगी ये मानकर चला जा रहा है, हालांकि 19-20 का चक्कर है। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुज्जर बीजेपी के हैं तो अवतार सिंह भड़ाना यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के। ये थोड़ा समझना होगा कि भूपेंद्र सिंह हुडा और अवतार सिंह भड़ाना, अगर अवतार सिंह भड़ाना जीतते हैं तो वो बड़े नेता हो जाते हैं, तो हुडा नहीं चाहते हैं कि भड़ाना जीत जाए। ये थोड़ी स्थिति हरियाणा की राजनीति में है, और हालांकि 3 बार फरीदाबाद से अवतार सिंह भड़ाना जीत चुके हैं, एमपी रह चुके हैं 91 में, 2004 में, 2009 में, तो ये एक स्थिति है कि क्या यहाँ पर जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इनकी आपस की टसल है कांग्रेस के भीतर की, और यहाँ से आम आदमी के नवीन जिंदल, नवीन जयहिंद चुनाव लड़ रहे हैं, मुश्किल है। महेंद्र चौहान आईएनडी के हैं मानधीर, लेकिन जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक कृष्णपाल गुज्जर यहाँ पर 20 हैं, अवतार सिंह भड़ाना यहाँ पर 19 हैं, तो ये सीट बीजेपी जीत सकती है। अंबाला की सीट जो है यहाँ पर कुमारी शैलजा चुनाव, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है और सुरक्षित सीट है, तो यहाँ पर कुमारी शैलजा की स्थिति अच्छी है। ये 2004-2009 में जीती थी, यहाँ पर रतनलाल कटारिया चुनाव जीते, 1999 में जीते थे, फिर 2014 में चुनाव जीते, और लेकिन दूसरी स्थिति है कि रतनलाल कटारिया से को लेकर हरियाणा की राजनीति में जो स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज, वह भी रूठे हुए हैं। तो हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें खास तौर से मुलाना, यमुनानगर, पंचकुला और जो जगाधारी सीट है ये कांग्रेस के लिए अनुकूल है, सठौरा भी है कांग्रेस के लिए अनुकूल सीट है, यहाँ पर से इनको वोटिंग काफी मिली है, तो कुमारी शैलजा यहाँ पर 20 पड़ रही है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सैनी उतरे हुए हैं मैदान में, नायाब सैनी और निर्मल सैनी आपस में मैदान में उतरे हुए हैं, तो ये दोनों की स्थिति बता रही है यहाँ पर कि यहाँ पर जय भगवान शर्मा भी हैं, लेकिन ये स्थिति जो कुरुक्षेत्र की है यहाँ पर बीजेपी की स्थिति मजबूत है। महत्वपूर्ण सीट एक हिसार की है, हिसार की स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 3 विरासत की बात है। कांग्रेस के भव्य विश्नोई यहाँ पर हैं, जो कि कुलदेव विश्नोई के बेटे हैं, भजन लाल के पोते हो गए एक लिहाज से कहिए, भव्य विश्नोई मैदान में से दूर है, ये चुनाव में हिसार में कहीं दूर तक नहीं है। यहाँ से बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह को दिया है, जो कि वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं और दीनबंधु सर छोटू राम के नाती है ये, तो वीरेंद्र सिंह यहाँ पर मजबूती के साथ लड़े हुए हैं, और यहाँ पर दुष्यंत चौटाला भी चुनाव लड़ रहे हैं। जाट वोट इन दोनों के बीच बट रहा है, और यहाँ पे अभय चौटाला की पार्टी के आईएनडी के सुरेश कौथ भी मैदान में है। यहाँ पर दुष्यंत चौटाला चुनाव जीतने की स्थिति में आएंगे या वीरेंद्र सिंह, लड़ाई इन दोनों के बीच में है, लेकिन जाट वोट दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हुए हैं, जाट वोट इनके बीच बट रहा है, और ये एक स्थिति है कि दुष्यंत चौटाला ने यह एड़ी चोटी लगाई हुई है और टक्कर इन दोनों के बीच में है, और दोनों एक दूसरे पर 20 पड़ रहे हैं। विजेंद्र सिंह जो हैं ये वीरेंद्र सिंह के बेटे, जो पूर्व आईएएस थे उनके बेटे हैं, तो इसलिए यहाँ पर देवीलाल, भजनलाल और वीरेंद्र सिंह तीनों की विरासत की लड़ाई यहाँ पर हिसार में चल रही है, ये एक स्थिति है। एक करनाल की स्थिति आपको बता दें, करनाल में बीजेपी के उम्मीदवार पानीपत से खड़े हुए हैं संजय भाटिया, इनकी स्थिति मजबूत है। कुलदीप शर्मा ये अरविंद शर्मा के खास हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की स्थिति, तो जो यहाँ पर नजर आ रहा है
हरियाणा की जो स्थिति नजर आ रही है, पिछली बार बीजेपी 7 सीट जीती थी इस, और आईएनडी 2 सीट जीती थी, यानी 9 सीट उधर गई थी। इस बार कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट का लाभ हो सकता है, होगा, ये 3 सीट का लाभ होगा, और वो 5 तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन 3 सीट का पक्का लाभ हो रहा है, यानी कांग्रेस हरियाणा में 4 सीट जीतेगी, ये पक्की बात है। एक हमने छोड़ दिया है रोहतक को, मान के चल रहे हैं कि वो पहले से जीते हुए थे। अब ये दिल्ली की जानकारी पूरी आ गई है। दिल्ली की जानकारी कई मामलों में बड़ी महत्वपूर्ण आई है। दिल्ली में ऐतिहासिक गलती, जो वोटिंग पैटर्न नजर आ रहा है, ये मानकर चलिए एक हिस्टोरिक ब्लंडर केजरीवाल ने किया है गठबंधन नहीं करके। ये थोड़ा समझना होगा कि ये कैसी जगह है दिल्ली, जहां पर 2014 में ही एंट्री लोकसभा सीट में आम आदमी पार्टी की हुई, और आम आदमी पार्टी ने जितनी बड़ी तादाद में वोट लिया, वो सारा का सारा वोट कांग्रेस का था। 2009 और 2014 अगर दोनों को पहले आपको ये जरूर मिला के समझना होगा, क्योंकि ये बड़ी शानदार स्थिति है। 2014 में 7 सीट बीजेपी के पास, 2009 में 7 सीट कांग्रेस के पास, और कमोवेश उम्मीदवार भी बहुत हिले नहीं है। जैसे हर्षवर्धन चुनाव जीते, हर्षवर्धन को टिकट दे दिया गया चांदनी चौक से। कपिल सिब्बल 2009 में जीते थे, इस बार वो लड़ नहीं रहे हैं, जे पी अग्रवाल आ गए हैं। पिछली बार कपिल सिब्बल हार गए थे, जे पी अग्रवाल यहां से चुनाव आ गए। जे पी अग्रवाल भी 2009 में सांसद रहे हुए हैं, लेकिन वह सीट दूसरी थी। पूर्वी दिल्ली में महेश गिरी जीते, उनको बदल दिया गया। यहां पर संदीप दीक्षित जीते थे, उनको भी बदल दिया गया। यहां पर लवली आ गए पूर्वी दिल्ली में, यहां पर क्रिकेटर आ गया पूर्वी दिल्ली में, गौतम गंभीर, और आम आदमी पार्टी में राजमोहन गांधी थे, अब यहां पर स्थिति बदल गई पूर्वी दिल्ली में, और यहां पे आतिशी आ गई। 2009 और 2014 का जब आप कंपैरिजन करते हैं, तो आम आदमी पार्टी लड़ रही है बीजेपी से, बीजेपी के पास सभी सीट है, आम आदमी के पास वोट आया हुआ है कांग्रेस का, और कांग्रेस इस बार अपने को जीवित करने के लिए फिर से मैदान में आ चुकी है, और 2009 को वो याद करते बता रही है पहले का दौर कितना अच्छा था, और वो दोनों के खिलाफ आकर खड़ी हो गई है। ये स्थिति साफ तौर पर बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे सहयोगी ने जानकारी भेजी है, और दिल्ली में हम भी सुबह घूम रहे थे कुछ इलाकों में, खासतौर से पूर्वी दिल्ली आपको चौंका सकती है। लड़ाई गौतम गंभीर और आतिशी में है, लेकिन यहां से लवली चुनाव जीत सकते हैं, ये आपको समझना होगा, क्योंकि त्रिलोकपुरी, गोंडली, गांधीनगर और कृष्णा नगर, ये 4 जगहों पर लवली के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। कुछ लक्ष्मीनगर का इलाका भी है, लेकिन ये लवली यहां पर, ये पूरा सस्पेंस है दिल्ली, ये थोड़ा मानकर चलिए, लेकिन हम किसका अपर हैंड है इस दिशा में हम जा सकते हैं, और यहां पर गौतम गंभीर और आतिशी की लड़ाई के बीच में लवली जो है वो डार्क हॉर्स के तौर पर निकल कर आए हैं, और उनके पक्ष में जो इलाके हमने बताए वहां पर अच्छी वोटिंग हुई है। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से चुनाव लड़ रही है, अजय माकन उनके खिलाफ है। अजय माकन 2009 में जीत चुके हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान दीजिए तो, ये आंकड़ा वहां का भेजा गया है हमको कि इसका जिक्र आप जरूर कर दीजिएगा नई दिल्ली का। और नई दिल्ली का ये है कि अजय माकन को 2009 में 4.5 लाख वोट मिले थे, लेकिन 2014 में 1,82,000 वोट मिले, और मीनाक्षी लेखी को मोदी लहर में भी 4.5 लाख वोट मिले, लेकिन कम मिले कांग्रेस के अजय माकन से 2009 में उन्हें जितने मिले थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के उस वक्त आशीष खेतान थे नई दिल्ली में, आज की तारीख में ब्रिजेश गोयल दौड़ में नहीं है। मीनाक्षी लेखी और अजय माकन के बीच की लड़ाई हो रही है, और यहां पर अजय माकन सीट निकाल सकते हैं, कांग्रेस के लिए लाभ की स्थिति है, क्योंकि यहां पर जो नई दिल्ली कस्तूरबा नगर का इलाका है, पटेल नगर का इलाका है, मोती नगर का इलाका है, आरकेपुरम, ये सारी स्थिति जो है अजय माकन के पक्ष में जा रही है, मालवीय नगर भी उनके पक्ष में जा रहा है, तो नई दिल्ली में ये निकाल सकती है सीट। तो दो मतलब हुए, पूर्वी दिल्ली में लवली अपर हैंड पे है, नई दिल्ली में अजय माकन चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद आइए उत्तर पश्चिम दिल्ली। उत्तर पश्चिम दिल्ली भी आपको चौंका सकती है, क्योंकि यहां पर लड़ाई सीधी सीधी कांग्रेस के राजेश लोधिया और गोगन सिंह के बीच है, जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहले बीजेपी में हुआ करते थे गोगन सिंह, ये आंदोलन के साथ ही नहीं है, ये छोड़कर आए हुए हैं। तो हालांकि आम आदमी पार्टी पर आरोप भी लगा पैसा लेकर टिकट खरीदने का, गोगन सिंह के बारे में भी कहा जाता है इन्होंने भी अच्छा खासा पैसा तो नहीं दिया है जिसके बाद इनको टिकट मिला है। यहां पर चाहे अनचाहे सबसे कांग्रेस के कमजोर उम्मीदवार राजेश लिलोथिया थे,
जो कि आप अगर पुराने दौर में चले जाइएगा तो यहाँ पर चूंकि उदित राज को नहीं टिकट दिया, उनके बदले हंसराज हंस को दिया, वो वैसे ही बाहर हो गए दौड़ से, क्योंकि उदित राज यहाँ घूम घूम के बता रहे हैं बीजेपी क्या है। और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में इससे पहले 2000 कृष्णा तीरथ जीती थी, 2009 में कृष्णा तीरथ बीच में बीजेपी में चली गई, लेकिन फिर अब कांग्रेस में लौट आई। तो कहीं एक भरपाई है, राखी बिड़ला तो लड़ नहीं रही है, और यहाँ पर गुगन सिंह को, यहाँ पर आपको जान के हैरत होगी, यहाँ पर भी कांग्रेस उम्मीदवार राजेश लिथोलिया चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आई उसमें नरेला का इलाका, खास तौर से नांगली और मंगोलपुरी का इलाका, यहाँ पर उनके पक्ष में अच्छी वोटिंग हुई है। गुगन सिंह पैसे वाले आदमी हैं, अच्छी ताकत है उनके पास, जमीन जायदाद के हिसाब से खेतिहर किसान भी हैं, लेकिन अच्छी खासी उनकी पैठ है। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि ये चुनाव एक तरफ दिल्ली में है तो मोदी है और दूसरी तरफ कौन है, ये सवाल था। तो यहाँ पर राजेश लिलोतिया के लिए भी अनुकूल कांग्रेस की स्थिति अच्छी बन रही है। पश्चिमी दिल्ली में महाबल मिश्रा और प्रवेश शर्मा के बीच में बीएस जाकर 6 करोड़ में उन्होंने टिकट लिया आम आदमी पार्टी से, ये सवाल उस इलाके में, आज हम गए थे तो घूम रहे थे तो इस जानकारी मिली कि ये सवाल है वहां पर। लेकिन यहाँ की जानकारी बताएं, खासतौर से मटियाला का इलाका जो है और नजफगढ़ का इलाका जो है, मटियाला, नजफगढ़ और द्वारका, ये जो 3 इलाके हैं ये महाबल मिश्रा के पक्ष में है, लेकिन बाकी जगहों पर महाबल मिश्रा कमजोर है। द्वारका, मटियाला और नजफगढ़ में तो मजबूत है, लेकिन बाकी जगहों पर मौजूद है। प्रवेश शर्मा बाकी जगहों पर मौजूद है, जो कि पिछली बार 3 लाख वोट के तकरीबन जीते थे, पौने 3 लाख वोट से जीते थे, उनकी स्थिति प्रवेश वर्मा की यहाँ पर मौजूद है। लेकिन महाबल मिश्रा बराबर की टक्कर पश्चिमी दिल्ली में दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं है दौड़ में। चांदनी चौक, डॉक्टर हर्षवर्धन पिछली बार भी जीते थे, पिछली बार 1,30,000 वोट से जीते थे चांदनी चौक में, और चांदनी चौक में हर्षवर्धन ने उस समय आशुतोष को हराया था, उन्हें 3 लाख वोट मिले थे, उनको 4,37,000 मिले थे। इस बार जेपी अग्रवाल है, और यहाँ की जानकारी हमारे पास आई है, ये भी बड़ा अच्छा है, मटिया महल, बल्ली मारान और वजीरपुर से जबरदस्त वोटिंग जेपी अग्रवाल के पक्ष में हुई है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता है, जिनके पक्ष में जो वोटिंग है वो सदर बाजार के इलाके में और चांदनी चौक के इलाके में जरूर है, लेकिन बाकी जगहों पर चीजें बटी हुई हैं। श्रीनगर और शालीमार बाग के इलाके में हर्षवर्धन की स्थिति अच्छी है, आदर्श नगर की स्थिति बटी हुई है। जेपी अग्रवाल यहाँ पे अपर हैंड में चल रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पर ये मजबूत हो रही है, ये थोड़ा समझना होगा। संगठन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लड़ किससे लड़ रहे हैं, सब कोई लड़ बीजेपी से लड़ रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत है आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन वो मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है कि आप जो लड़ रहे हैं तो इससे आपको लाभ क्या होगा या उससे हमें लाभ क्या होगा। दक्षिणी दिल्ली में विजेंद्र सिंह मुक्केबाज, वो चुनाव लड़ रहे हैं, रमेश भदूड़ी, राघव चड्ढा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर राघव चड्ढा की स्थिति बुरी नहीं है, यहाँ पर वाकई मुकाबला त्रिगोणिया है, क्योंकि विजेंद्र सिंह जातियों की साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक स्थिति यह है कि यहाँ का बिजवासन का जैसे इलाका है, कर्नल सेरावत जो थे वो छोड़ दिया उन्होंने, वो बीजेपी में चले गए, उस इलाके में स्थिति, संगठन जो है शिफ्ट कर गया बीजेपी के लिए, तो इन सब का फायदा रमेश भदूड़ी को जरूर मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन विजवान, पालम, महरौली, छतरपुर और तुगलकाबाद, ये जो इलाके हैं ये बहुत प्रभावित हैं बीजेपी के लिए, कालका जी भी उसमें प्रभावित रहता है, लेकिन यहाँ पर राघव चड्ढा, विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह पूरी जाति के आधार पर टिके हुए हैं, वोट उनको मिल जाए वो बीजेपी के साथ कितना सेंध लगा सकते हैं, तो विजेंद्र सिंह और रमेश भदूड़ी के बीच में अगर वोट बढ़ते हैं तो राघव चड्ढा को इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। पूर्वी दिल्ली का तो हमने जिक्र कर दिया, लवली सिंह, अब बचा है उत्तर पूर्वी दिल्ली जो महत्वपूर्ण है, मनोज तिवारी, शीला दीक्षित और दिलीप पांडे। इस इलाके में भी हम घूमे, सीमापुरी, सीलमपुर, बाबरपुर और मुस्तफाबाद, ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाका, शीला दीक्षित के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। बुराड़ी, करावल नगर, रोहतास नगर में बटी हैं चीजें मनोज तिवारी और दिलीप पांडे को लेकर, गोकलपुर और गोंडा में तीनों को लेकर स्थिति बटी है। यहाँ पर शीला दीक्षित 19 के मुकाबले हर से 21 पड़ रही है, तो दिल्ली में कांग्रेस आपको चौंका सकती है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक तौर पर ब्लंडर, अगर एक भी सीट नहीं मिलेगी तो जरा कल्पना कीजिए कि 2015 में चुनाव उस समय हुए थे तो 67 सीट जीती थी, अब अगले बरस यहाँ पर फिर विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या स्थिति बनेगी। ये एक डेंजरस सिचुएशन है जो फैसला इन लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने का लिया, क्योंकि यहाँ पर वोटर बटने को तैयार नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला करने को तैयार कम हुआ है, और
अलग स्थिति यह है कि बड़ी तादाद में वोटर निकला नहीं है, उसकी कई वजह है। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल एग्जाम है, स्टूडेंट्स बहुत कम निकले जो परीक्षा देने वाले थे। संडे का दिन, बाबुओं की मौजूदगी, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज औसतन जो है हर जगह लगभग 6 से 10% कम हुआ है 2014 की तुलना में, जिसका घाटा बीजेपी को होगा और जिसका घाटा आम आदमी पार्टी को भी होगा, क्योंकि नए सिरे से कांग्रेस यहाँ पर आई है, नए ऑक्सीजन के साथ आई है, उसका उसको लाभ मिल सकता है। लेकिन क्या कांग्रेस के वोट का मार्जिन इतना होगा कि यहाँ पर 7 में से 4 सीट कांग्रेस जीत जाए? हो सकता है, लेकिन 3 सीट कांग्रेस जीत जाएगी, ये हो रहा है। तो बीजेपी ने 59 सीटों में से बीजेपी ने 44 सीटें जीती थी, और 44 सीट का मतलब इस बार जो निकल कर आ रहा है वो बहुत साफ है कि इस बार इसमें से लगभग 20 सीट और कम होने जा रही है। 20 सीट से कम होने का मतलब है कि कांग्रेस, जब हम लोग जिक्र कर रहे थे 484 सीटों पर वोटिंग हो गई है, 484 सीटों में से कांग्रेस को जो घाटा है वो 125 सीट के लगभग होने की स्थिति में आ रहा है। 125 का मतलब है ये 119 सीट हमें टोटल दिखाई दे रहा है, 119 120 सीट। इसका मतलब ये है कि अब आप सोचिए कि 160 की स्थिति में क्या बीजेपी आ रही है, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, गठबंधन की राजनीति, और अब जो पूर्वांचल का इलाका है उस पूरे इलाके में जो वोटिंग पैटर्न है, और अब चूंकि पंजाब एक बचा हुआ महत्वपूर्ण इलाका है, पंजाब पूरा राज्य अगले बार में होना है, इन जगहों पर स्थिति बीजेपी के अनुकूल कैसे रहेगी, ये एक सवाल है। आम आदमी पार्टी ने जिस स्ट्रेटजी के साथ चली उसमें उसके वोटिंग परसेंटेज इस बार बहुत कम होने वाले हैं 2014 की तुलना में, और ये थोड़ा समझना होगा कि 2014 के बाद जो इलेक्शन, 2015 के बाद खासतौर से विधानसभा को भी जोड़ लीजिए, उसके बाद जो यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी के बहुत वोट आम आदमी के पक्ष में भी आए, ये भी एक फैक्ट है। और बीजेपी अपना कोर ग्रुप को लेकर इस बार साथ चली, जिस संगठन को उसने पैदा किया, तो उसका घाटा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को सिर्फ पाना था, कांग्रेस इतना गंवा चुकी थी, उसके बाद उसके गंवाने की स्थिति भी नहीं थी, क्योंकि एक पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली ही थी जहां पर कांग्रेस 2 लाख वोट पा पाई थी 2014 में, बाकी समय तो 1 लाख के इर्द गिर्द ही थी। और ये आपको इससे समझनी होगी कि इस बार उसके लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, और उसके कैंडिडेट्स बहुत मैटर कर रहे हैं, और टक्कर नरेंद्र मोदी दिल्ली में टकरा रहे हैं, कैंडिडेट कोई मायने नहीं रख रहा है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, सिर्फ कांग्रेस के कैंडिडेट मायने रख रहे हैं, क्योंकि उनके एक अनुभव है और एक विरासत की चीजें हैं जो राजनीतिक विरासत को वो लेकर चीजों को चल रहे हैं, ये एक स्थिति है। आम आदमी पार्टी का संगठन हर जगह मजबूत जरूर है, लेकिन एक सवाल ये था कि जो झुग्गी बस्तियों का जो है और जो महिलाओं के जो रसोई को भी मजबूत केजरीवाल ने किया, क्या वो जिताने की स्थिति में, जिताने की स्थिति में नहीं आ रही है अपने बूते केजरीवाल को, ये एक मुश्किल है केजरीवाल की दिल्ली में। इसलिए गठबंधन ना करकर हिस्टोरिक मिस्टेक या ब्लंडर किया गया है, ये एक फैक्ट है। तो मैसेज बहुत साफ है छठे चरण का, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी कहीं ज्यादा तेजी से बज रही है, कांग्रेस की स्थिति कुछ अनुकूल बहुत तेजी से हुई है, गठबंधन पूरे बम के मूड में है, और आने वाले वक्त में ये मैसेज है कि जो आखिरी चरण होगा उसके बाद बैठक दिल्ली में जो गठबंधन और पार्टियों की होने वाली है, वो एक मैसेज है कि अब इस अगले 5-7 दिनों में आपको कुछ और सुनाई देगा जो खान मार्केट से आगे का होगा, क्योंकि अगर हर मैसेज बूमरैंग कर रहा है और मीडिया उस पर चाहे बहस कर रहा हो, लेकिन अगर वो वोटरों तक नहीं पहुंच पा रहा है और वोटर उसको रिसीव करके पक्ष में नहीं जा रहा है, तो फिर आने वाले वक्त में शायद हर चेहरा धीरे धीरे उठना शुरू होगा, और आखिरी चेहरा जो रियल चेहरा है वह सामने आकर खड़ा होगा। तो अगले 5 दिन प्रचार के इंतजार कीजिए क्या क्या होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और ये सारी स्थिति बताती है कि कांग्रेस की स्थिति अगर दिल्ली में अच्छी है, कांग्रेस की स्थिति के साथ खाली 2 चीजें समझ लेनी होगी, आम आदमी पार्टी चुनाव अगर जीत रही है तो जीतेगी, और उसमें सिर्फ एक नई, चूंकि हमारे पास कागज आया है और उस नए कागज के सहारे हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि उसमें यह है कि कांग्रेस 3 सीट तो दिल्ली में जीत जाएगी, बाकी 4 सीटों पर कौन जीतेगा ये एक सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, ये एक सवाल है सिर्फ उलझा हुआ है, इसका जवाब हमको लगता है इंतजार करना होगा, इसको सस्पेंस में रखिए, लेकिन 3 सीट कांग्रेस जीत रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये मैसेज बहुत साफ है, छठा चरण बेहद महत्वपूर्ण था,
और इतनी ही सीटों पर चूंकि अगले चरण में मतदान होना है और अगले चरण में हम लोग मिलेंगे और उसके बाद देश की स्थिति क्या होगी, क्या तस्वीर होगी, ये बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। आखिरी कमेंट हमको लगता है कर देना होगा, क्योंकि बात शुरुआत प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हुई थी, फिर राष्ट्रवाद बीच में आया, राष्ट्रवाद के बाद विकास और तेजी से गायब हुआ, और उसके बाद नेतृत्व, कुशल नेतृत्व सामने आया, उसके बाद राजीव गांधी सामने आए और अब खान मार्केट सामने आया है। तो अगला पड़ाव जो है बड़ा घातक होने वाला है, क्योंकि आखिरी लड़ाई है वो, और वो मैसेज देगी, वो स्पेस क्रिएट करती है कि चुनाव हम जीत रहे हैं और मनोबल ना टूटे, ये बीजेपी के उन उम्मीदवारों को देना होगा मैसेज, ये मजबूरी है। और ये स्ट्रेटजी चाणक्य नीति हमेशा कहती है, आखिरी तक रणनीति बनाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।